गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आई विनोद रेड्डी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA जिसको हम बोलते हैं। ओके, दिस डिग्री विल बी इशूड टू यू बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। बराबर ना? Obviously, everyone knows this CA course has three levels. कौन से तीन levels है? CA foundation, CA intermediate and CA final. Right, my friends? तो अभी हम कौन से level पे है? CA foundation. Obviously, CA foundation ये first level है, या जो लोगों ने graduation किया है BCom, BBA, कुछ भी any graduation, they can directly enter to level 2. Everyone knows it. उनके लिए फिर इंटरमीडिएट एंड फाइनल, यही CA का जर्नी होता है। बट तुम्हारे लिए CA का जर्नी में तीन लेवल्स है, बिकॉज आई थिंक योर करंट क्वालिफिकेशन इज 12th पास्ट या 12th अपीयर्ड, दोनों में से कुछ तो एक ही है ना, आइदर 12th पास्ट और 12th अपीयर्ड, बराबर है ना, एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। कितने लोग है 12th अपीयर्ड वेटिंग फॉर रिजल्ट? ऑलमोस्ट 95% या 99% हम बोल सकते हैं, 12th अपीयर्ड, करेक्ट है ना, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। पास हो जाएंगे ना सब लोग 12th में? 100% पास हो जाएंगे? यस और नो? यस। चलो फिर, तो अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ग्रेट कोर्स कॉल्ड एज CA। ओके, तो टुडे वी विल हैव अ इंट्रोडक्टरी सेशन। ओके, आज आपके पास अभी फिलहाल नोट्स नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास आपको नोट्स मिलना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है इस बैच में, ठीक है। तो टुडे जस्ट वील हैव द इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स, ठीक है, क्या रहता है। आपके भी कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर कुछ रहेंगे, वो भी सेशन लेंगे अपन, चलेगा बच्चों? पहले तो सबसे पहले तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है, आराम से बैठो। जैसे अपन 12th में बैठते थे ना, टीचर चिल्लाता था, अपन रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, वो टाइप में बैठो पहले तो, मतलब विल फील नेचुरल, ऐसा लगेगा कि अपन है ना, जैसे चल रहा है अभी तक जिंदगी वैसे ही चलने दो। तो क्या एग्जैक्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बैच? ओके, अपन ये मैथ्स का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा, पहले तो एक CA कोर्स का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको, चलेगा। मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं बताऊंगा कि ये ऐसा होता है, ये होता है, रिजल्ट का परसेंटेज ये होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता कि आज अननेसेसरी डिप्रेस नहीं करूंगा या फालतू का मोटिवेट नहीं करूंगा, समझ रहा है। मैं जो भी है कुछ फैक्ट्स बताऊंगा बस, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ऑफ दिस बैच, आप बताओ बच्चों, आप ये CA फाउंडेशन या CA कोर्स क्यों ज्वाइन किए? यस, कोई भी बता तुम में से, CA बनने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। यस, टू गेट द नॉलेज ऑफ फाइनेंस, ओके, पैसा कमाने के लिए, बेस्ट आंसर, बहुत सिंपल, पैसा कमाने के लिए, रिस्पेक्ट कमाने के लिए, श्योर रिस्पेक्ट चलेगा ना, से विदाउट मनी हिम्मत, लोगों के पैसे टैक्स बचाने के लिए। आपको ऐसा किसी ने बोला है क्या कि CA लोगों का टैक्स बचाता है? लीगली थोड़ा करके देते, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो उनका टैक्स प्लानिंग करके देते हो आप, है कि नहीं, जो अदरवाइज विदाउट नॉलेज अगर समझो 2 करोड़ टैक्स भरने वाला है तो तुम 50 लाख में बिठा देते हो उसको, बराबर है ना। फॉर दैट अपने को CA करना है, ओके, लोगों का पैसा बचाने के लिए बस, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, लोगों का पैसा बचाते बता दे थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत अपने जेब में भी आए तो अच्छा ही है, और थोड़ा बहुत साथ साथ में रिस्पेक्ट आए तो और भी बेटर है। मनी एंड रिस्पेक्ट दोनों में अगर एक चूज करना हो तो रिस्पेक्ट, ओके, अभी तक तो ऐसे ही है। यस, कोई बोल सकता है कि पैसा आए तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आता है, बट रिस्पेक्ट आए तो मनी आना जरूरी नहीं है। एनीवे, तो कुछ लोगों ने रिस्पेक्ट के लिए ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने पैसे के लिए ज्वाइन किया है, फाइनेंस का नॉलेज के लिए ज्वाइन किया है, और क्या, कुछ लोगों ने, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने बोला कि सर पप्पा ने बोला, चाचा ने बोला, बराबर है कि नहीं, या मामा ने बोला, किसी ने तो बोला भाई CA कोर्स कर लो, बड़ा मजा आएगा इसमें,
ठीक है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे आजू बाजू में रिलेटिव्स में इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे ना जो सीए कंप्लीटेड है? सीए कंप्लीटेड ज्यादा है या सीए करके छोड़ देने वाले ज्यादा है? मतलब सीए वो उनका मोस्ट ऑफ द लोगों का कहानी रहेगा ऐसे कुछ कि सीए करता था बट वो घर में थोड़े प्रॉब्लम थे, पैसे के इश्यूज थे, है कि नहीं? थोड़ा खराब था मतलब सिचुएशन, इसकी वजह से कर नहीं पाया और फिर तुमको तिलक लगा के भेज दियो, है कि नहीं? बेटा जा, अभी माँ बाप का अधूरा सपना अब तू पूरा कर क्या, या तेरे चाचा तो नहीं बन सके, मामा नहीं बन सके, मैं बन नहीं सका, अब तू बन ले। या कुछ लोगों के राइट, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स रिलेटिव्स में बहुत सारे सीएस भी रहेंगे, आई एम वेरी श्योर, बराबर है ना? बहुत सारे सीएस रहेंगे बट नंबर थोड़ा सा कम है सीएस का। कितने सीएस रहेंगे इंडिया में अभी फिलहाल? अराउंड 4 लाख सीए, मतलब अन्य कब पास हो चुकी है 4 लाख? 1950 से लेके अभी तक अब ऐसे मत समझो कि 4 लाख सीए है वो पिछले 5-6 साल में बने, ये 4 लाख सीए कब बने? 1950 से लेके अभी तक। आपको बता दूं एक फैक्ट, उससे ज्यादा इंजीनियर्स सिर्फ महाराष्ट्र में हर साल बनते, उससे ज्यादा इंजीनियर्स, क्या बोला मैं, हर साल, इंडिया में नहीं बोला, सिर्फ महाराष्ट्र में बनते। आप समझ सकते हो, इससे एक आप रिजल्ट का परसेंटेज के बारे में अंदाज लगा सकते हो, करेक्ट और नॉट? सीए करने वाले अगर लेट्स से 100 स्टूडेंट स्टार्ट करते ट्वेल्थ करके या बीकॉम करके जो भी है, उससे हार्डली 4-5 कंप्लीट कर पाते। अब ये तो बैच आज चालू हुआ है, फर्स्ट डे है, बड़ा डिप्रेसिंग न्यूज है ना फिर ये तो। बट आई एम श्योर आपके आजू बाजू में रिलेटिव्स में कोई भी देखो जो बंदा बोल रहा है कि मैं अपना पूरा मेहनत किया, 100% मैं ये कोर्स के लिए दिया, वो भी फेल हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये मत समझो कि 4 लाख लोगों ने सिर्फ आज तक ये कंप्लीट किया है, आप ये सोचो कि 4 लाख लोगों ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो, जो काम 4 लाख लोग कर सकते हैं वो करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। सचिन तेंदुलकर ने जो किया है वो हार्डली दुनिया में 4 लोगों ने किया है उसके आसपास, करेक्ट और नॉट? थोड़ा टफ काम है। नीरज चोपड़ा ने जो किया है वो थोड़ा टफ काम है, करेक्ट और नॉट? बहुत ज्यादा ही डेडिकेशन चाहिए, साथ साथ में हाई लेवल का कंपटीशन झेलना है, एंड पूरे दुनिया में एक विनर चूज होता है, करेक्ट और नॉट? एक पर्टिकुलर कंपटीशन में एटलीस्ट। अपना ऐसा है क्या यहां पे सीए इंस्टीट्यूट? ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे हम ऊपर से 10 पास करेंगे, ऊपर से 20 पास करेंगे। जो सीए इंस्टीट्यूट ने एक बार सेट करके रखा है 50% मार्क्स, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो सब पास थे, समझ रहा है क्या? आईआईटी में ऐसा है क्या कि ये लेवल है, इसके ऊपर जितने भी जाएंगे वो सब आईआईटी में? ऐसा नहीं, वो बोल रहे भाई जितना पढ़ना है पढ़ो, हम ऊपर से 200 उठाएंगे, करेक्ट और नॉट? फिर वो ऊपर के 200 उठा दे, वो कट ऑफ कहां पे चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, करेक्ट और नॉट? कोई भी दूसरा कोर्स ले लो आप, आईआईटी ले लो, एमबीबीएस ले लो, और कोई बड़ा कोर्स ले लो, मोस्ट ऑफ द कोर्स में एंट्री जो है वही टफ है, एग्जिट इज रिलेटिवली इजियर। आईआईटी में जाना ही टफ है, बट आईआईटी में जाके इंजीनियर बनना बाद में कोई टफ काम है क्या? आईआईटी में गया है बट इंजीनियर बना ही नहीं, ऐसा कोई है क्या? हाँ, कोई नहीं है ऐसे, 99.99% ऐसा नहीं है। अच्छा, एमबीबीएस को नंबर लग गया, मेडिकल एजुकेशन ले रहा है अभी वो, एंड बाद में डॉक्टर बना ही नहीं कभी, ऐसा हार्डली कोई है। जिसका नंबर लगता है वो डॉक्टर बनता ही है, इंजीनियर बनता ही है, करेक्ट और नॉट? बड़ा बताओ, जो सीए करता है वो सीए बनता ही है क्या? तो यहां पे क्या टफ है, एंट्री टफ है या एग्जिट टफ है? एग्जिट टफ है, एंट्री इज इजी, इन इजी क्या, इनफैक्ट वाइड ओपन फॉर एवरीवन। आप में से किसी को 50% मार्क्स है, किसी को 99% मार्क्स है, आप दोनों वापस इक्वल हो गए फॉर सीए कोर्स, करेक्ट और नॉट? तुमको 12th स्टैंडर्ड में, चलो अकाउंट्स में 100/100, मैथ्स में 100/100, टोटल 96% ऐसे मार्क्स रह सकते हैं, ओके आएंगे शायद। आप बताओ आपको क्या एडवांटेज है सीए कोर्स में, जो आपने पढ़ा वो थोड़ा बहुत मार्क्स के टर्म्स में क्या एडवांटेज है? कुछ भी नहीं, अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे बहुत बंदे मिलेंगे आपको कि 12th स्टैंडर्ड तक टॉपर है, तूफान स्कोर है, बाद में यहां पे दुनिया की भीड़ में खो गए, समझ रहा है क्या? आपको ऐसे भी है कि जो कोई तो रीजनल मीडियम से पढ़ के आए, मराठी मीडियम में पढ़े, कन्नड़ा मीडियम में पढ़े, कहीं नॉर्थ इंडिया में हिंदी मीडियम में पढ़े, और कुछ पढ़े, बहुत मेहनत किया आगे, ओके सीए बन गए, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, रैंक के साथ,
दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स है, आप समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब इसके पहले कुछ अच्छा रहेगा तो आप कुछ खराब होने वाला है, जरूरी नहीं है। यू कैन कंटिन्यू दैट, उसका चांस है ऑब्वियसली, बट अगर वो आप मेंटेन करोगे तो करेक्ट है बच्चों। तो नंबर ऑफ सीएज लिमिटेड है, ये तो सब जानते हैं। तो हमें सीए बनना है नहीं बनना है फिर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। आपको बता दूं बच्चों, मैं मई 2004 में मैं सीए बना, ओके। तो अभी 2024 चल रहा है, 20 साल हो गए, मतलब तुम पैदा होने के 2 साल पहले मैं सीए था, करेक्ट ना। 20 साल से मैं ये सीए कोर्स को पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी कुछ है, राइट। सीए फाइनल में पढ़ा रहा था पहले, अभी वो कोर्स में से कुछ सब्जेक्ट डिलीट कर दिए, व्हाटएवर इट इज। 20 साल से लाख, 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख के स्टूडेंट्स तक पढ़ाया रहेगा मैंने, इतने ऑनलाइन ऑफलाइन अगर सब काउंट करोगे तो। बट 20 साल से अगर कुछ बदला नहीं है तो वो है, वो जो डे 1 को जो स्टूडेंट का चेहरा रहता है और उसका जो रिएक्शन रहते हैं वो, 20 साल से यही है। 20 साल में राइट, हमेशा यही बस देखता हूं मैं, डे 1 बहुत मेहनत करना है सर, यस सर, बीस साल से बस यही है, समझ रहा है। उसमें से कुछ फिर धीरे 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 समझता है क्या, यहां पे आ जाते हैं। अभी तो आज देखो, मैं यहां पे 10 मिनट आके पहले खड़ा भी था, कैसे सब लोग देख रहे थे, बात भी नहीं कर रहे, चुपचाप है कि नहीं। कुछ दिनों के बाद में फिर वो समझ रहा है क्या, एक लेट आता है, ग्रुप बन जाते हैं, पुणे में ग्रुप बनते हैं ना यहाँ पे फिर, बराबर है कि नहीं। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो, बट ग्रुप बनते, फिर ग्रुप मतलब कैसे बनते ग्रुप, फिर यहाँ पे वो 2-4 लड़के 2-4 लड़कियाँ, एक इधर से, बराबर है कि नहीं। थोड़ा एक ग्रुप बन गया, फिर व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे प्लान बनता है, चलो आज का मैथ्स का क्लास छोड़ देते, चलो सिंहगढ़ जाते, खड़कवासला जाते, है कि नहीं। फिर और कुछ प्लान, फिर माँ बाप का फोन आता है, बेटा पढ़ रहा है क्या, हाँ मम्मी दिन रात, हाँ पापा दिन रात पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। उल्लू बनाने के लिए तो अपन है कि नहीं। फिर मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज तो बहुत मोटिवेटेड हो तुम, बट ये कुछ भी मैटर नहीं करता, ये जो है ना ये टेम्पररी मोटिवेशन है, टेम्पररी मोटिवेशन से कोई सीए नहीं बना आज तक, समझ आएगा आपको। टेम्पररी एक आधा मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते ना अपन, है कि नहीं, वहां पे लोगों का जनरली क्या रिएक्शन रहता है, वो मोटिवेशनल कुछ तो जो स्पीकर रहता है जबरदस्त बात करता है कि नहीं। वो बोलता है कि नन्नी चीटी ऐसे नहीं होती है, वैसे नहीं होती है, बराबर है कि नहीं। यस इंस्पिरेशन करना है जिंदगी में कुछ तो, है कि नहीं। बाहर जाता है बोर हो रहा है यार, है कि नहीं। कोई फायदा नहीं है बच्चों, ये टेम्पररी मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, समझ आया क्या। अगर आपके राइट सीए बनना है, अगर आपके सपने को पूरा करना है, तो आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, नॉट मोटिवेशन। क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, आप समझ रहे हो क्या। सिंपल, कोई भी चीज़ के लिए समझो, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार मेरा बहुत ये ओवर वेट हो गया, ये हो गया, ओके। तुम में से कोई राइट समझो जिम का ट्रेनर है, तो तुम ये बोलोगे कि काम कर, 1 तारीख को आ 12 घंटे जिम कर, फिर 15 तारीख को आ 16 घंटे जिम कर, ये सजेशन दोगे क्या आप, क्या सजेशन दोगे भाई। एक काम कर, 15 मिनट क्यों ना रोज आ, 15 मिनट आ बस, बट रोज आ जा, करेक्ट और नॉट। 15 मिनट्स क्यों ना हो, यही तो यही बोलेगा ना, करेक्ट और नॉट। तो आप क्या सोच के आए यहां पे कि भाई सीए बनने के लिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करता हूं। इवन दो आई सेड कि ये सीए टफ है, इतने कम लोग सीए बनते हैं एंड ऑल, बट मैं आपको बता दूं बच्चों, पढ़ने वाला कोई बंदा, अच्छे से पढ़ने वाला सीए नहीं बना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बंदा सीए बनता है पढ़ाई करने वाला अच्छे से। अब बट ये सेंटेंस अब बहुत रिस्की है, कोई सुनने वाला कोई बोलेगा कि इसका मतलब हम पढ़े ही नहीं क्या, हम फेल हो गए, तो तुम शिद्दत से नहीं पढ़े ना मेरे भाई, तभी तो नहीं बने, आप समझ रहे हो। कॉमर्स का एक पर्टिकुलर कोर्स जहां पे 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो 5 महीने 6 महीने जो भी आपका टाइम था, रोज आपका 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने का टाइम है, राइट, ईमानदारी से अगर कोई बताए कि मैं इतना कर लिया फिर भी मैं फेल हो गया, तो आप देखो मैं उसको जो भी चाहे वो दे दूंगा, ऐसा है ही नहीं कोई। लेकिन समझ आए क्या, सिर्फ अपना क्या है आजकल वो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन,
बराबर है, फेसबुक जो भी कुछ है वहां पे आप सीए करने वाले लोगों का पोस्ट आई एम श्योर आपने जरूर देखा रहेगा कि डे एंड नाइट्स है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, दिन रात एक करके मैं पढ़ाई किया फिर भी फेल हो गया, ऐसे कुछ होते कि नहीं लोग, बराबर है कि नहीं, ऐसा किया ऐसा बुक का फोटो लगाते हैं यहां तक तो ऐसे थप्पी लगाते हैं उसके खुद की हाइट से ज्यादा होती है, बराबर कि नहीं, और ऐसे फोटो सेल्फी निकालते उसके बाजू में है कि नहीं, तभी जरा जूम करके वो बुक को देखना आपको दिखेगा कि सारे बुक नए हैं, वो एक भी बुक ओपन नहीं किया है आधे से ज्यादा बुक को तो हाथ नहीं लगाया उसने, सिर्फ वो फोटो में रखा है, आप समझ रहे हो क्या, एंड फिर फोटो निकालने का फिर बोलने का कि मैं कुछ तो बहुत बलिदान दिया कुछ तो किया आज तक मैं कभी ये नहीं किया, कुछ कुछ लोग बोलते सोशल मीडिया पे, फिर सीए करने के लिए हमको त्यौहार छोड़ना पड़ता है बर्थडे छोड़ना पड़ता है माँ बाप की एनिवर्सरी नहीं मनाई कुछ नहीं किए ये नहीं किया वो नहीं किया दिन रात पढ़ाई किए फिर भी नहीं बने, तो क्या किए फिर, बराबर है कि नहीं, ये सब नौटंकी है। अच्छा मुझे बता तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो गए, सब लोग बहुत सारे लोग रहेंगे सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं तो तुम रहोगे कनेक्ट थोड़ा बहुत, आपका समझो ये लड़की का मैं प्रोफाइल ओपन करता हूं और वो देखता हूं, वो प्रोफाइल देख के मुझे जो लग रहा है ये लड़की के बारे में वो वैसी ही लड़की है क्या, वो प्रोफाइल देख के मुझे जो लग रहा है वो वैसा ही है क्या। अच्छा तुम्हारा है क्या खुद का, तुम्हारे प्रोफाइल पे जो दिखता है वो तुम हो क्या, तो कौन हो फिर तुम, तुम्हारे प्रोफाइल पे जो दिखता है वो तुम हो क्या बताओ ना, प्रोफाइल पे तो कुछ अलग ही दिख रहा है, दुनिया भर के फिल्टर्स, बराबर है कि नहीं, दुनिया भर के अन्य कहीं इधर उधर से लिए हुए सेंटेंसेस कोट्स, करेक्ट और नॉट, एंड उसके साथ में बन रहा है आपका सोशल मीडिया। तो ये लोग जो आपको बता रहे कि भाई हम वो ऐसा किए सीए कोर्स हम फिर भी सीए नहीं बन पाए, ये मिसगाइड कर रहे बॉस आपको, ये जस्ट सिंपथी चाहते हैं, अगर नहीं भी बना तो भी दे वांट सिंपथी। इसमें आपको सीए बनने के लिए फाउंडेशन पास होने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा ये बोल के भेजा है घर वालों ने या किसी ने भी, कितना पढ़ना पड़ेगा, रोज 12 घंटे। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं, चैलेंज करके आप सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करो, सारे के सारे, एंड रोज 2 घंटे पढ़ाई करो, कितना 2 घंटा, 1 मिनट भी मत करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, कितना 2 आवर्स एंड ऑल लेक्चर्स, समझ रहे आपको ये, आपका वर्स्ट पॉसिबल स्कोर रहेगा, आप बोलोगे बहुत ही मेरी जिंदगी में कुछ खराब होगा ना तो भी तुमको 70% आएगी, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत तुम्हारी जिंदगी में कुछ खराब होना है ना तो भी कितने आएंगे 70% मार्क्स आएंगे, ओके। अब ये सुनने को भी बहुत अच्छा लगता है बट ये फैक्ट है बच्चों, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, तुम बोलते हो बट सर ये जब इतना आसान है तो क्यों नहीं कर पाते, इतना आसान है या नहीं तुम एक महीने के बाद बताओ, है या नहीं, रोज सारे क्लास करना एंड 2 घंटे पढ़ना, कितना आसान लगता है। अच्छा जब आपने को कोई जिम ट्रेनर मुझे कितनी बार बोलता है भाई रोज आधा घंटा आ जा, अब थियोरेटिकली कितना आसान लगता है, रोज आधा घंटा ही जाना है 24 में से, सालों साल से सोच रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो क्या। तो ये रोज 2 घंटा पढ़ना ये सुन जब रहे अपन तो बहुत आसान लगता है, रोज सारे क्लास करना है एंड सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटे बच्चों। कोई अगर आपको बोल रहा है कि आज से ही तुम 10 घंटे पढ़ो तो वो बस हाइप क्रिएट कर रहा है, कुछ भी नहीं, समझ रहा है क्या आपको है? कुछ हाइप क्रिएट किए जा रही है अननेसेसरी, जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको 2 घंटे, बट पहले दिन से, समझ रहा है, जो भी चलो आज का तो इंट्रोडक्शन है, कल तो पढ़ाना चालू हो जाएगा, कल से अगर अपन 2 घंटे पढ़ सकते बच्चों, आप समझ रहे हो क्या, 2 घंटे अगर अपन पढ़ सकते सारे सब्जेक्ट का मिला के बोला मैं, पर सब्जेक्ट नहीं, 2 आवर्स ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर अगर सारे क्लास करके अगर अपन 2 घंटा रोज पढ़ सकते हैं तो ओके अपन फेल हो ही नहीं सकते, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। बट प्रॉब्लम यह है कि फिर कल आप क्या सोचते हो, नहीं जाने दो अभी तो चालू हुआ है, परसों क्या सोचते हो, एक काम करते इस बार सैटरडे संडे करता हूं, फिर आता है ना कुछ लोगों का मंडे से थर्सडे को स्टार्ट कर ही नहीं सकते अपन, क्यों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिर तो छुट्टी मंडे, फिर मंडे को 28 तारीख रहता है कि नहीं, 1 तारीख से क्या तारीख से, फिर 5 तारीख को पाड़वा रहता है, गुड़ी पाड़वा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 1 तारीख से नहीं 5, फिर 5 तारीख को अनफॉर्चुनेटली वापस फ्राइडे आता है,
फिर मंडे, बराबर कि नहीं? अरे फिर तो 8 दिन के बाद में आंबेडकर जयंती आ रही है कि नहीं? और कुछ तो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये पोस्टपोन पोस्टपोन होता रहता है फिर, बराबर कि नहीं? एंड बीच में बस अपन फुल मोटिवेटेड है, क्या है? मोटिवेटेड। मोटिवेटेड देखो, मोटिवेशन विदाउट एनी एक्शन इज इक्वल टू जीरो, बराबर है? मोटिवेशन प्लस नो एक्शन, रिजल्ट क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं है, है कि नहीं? कोई एक्शन ही नहीं है इसमें, उसके बाद में सिर्फ मोटिवेटेड है, हाँ जिंदगी में कुछ करना है, ये बनना है, वो बनना है, क्या कुछ इससे कुछ होगा क्या? एंड आज के जमाने में सबसे बड़ा कोई चैलेंज, अगर हमारे जमाने में हम फॉर्चुनेट थे हम कि मैं सीए बन गया 2004 में, 99 में मैं 12th पास हुआ था, तो ये मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वी वर वेरी लक्की, क्लास को आ गए तो सिर्फ क्लास ही था, समझ रहा है? दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता था, पढ़ते थे बस, यहाँ से लाइब्रेरी गए बस खत्म, लाइब्रेरी से घर जाने तक, हॉस्टल जाने तक, ये करने तक माँ बाप को भी मालूम नहीं रहता था कि भाई क्या है, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, पढ़ते थे चुपचाप। बट आजकल तो कितना वो कनेक्शन फास्ट हो गए, ये वो, समझ रहे कि नहीं? इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गए, सिंपल चीज़ है। नो डाउट पॉजिटिव पॉइंट्स है, राइट? आपको मोटिवेशन मिल रहा है, सही टाइम पे सही वीडियो मिल रहा है आपको, बराबर है कि नहीं? राइट, कुछ आप जिंदगी में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है कि आपको राइट एडवाइस मिले, बट कितना परसेंट काम का है आप मुझे बताओ, जो आप मोबाइल पे कर रहे हो कितना परसेंट यूजफुल है? वो जो कुछ परसेंट यूजफुल है ना बच्चों, उसकी तलाश में अपन 99% कचरा भर रहे अंदर, वो 1% की तलाश में, जो अच्छा है 1% अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो 1% तलाश में अपन 99% कचरा भर रहे कि नहीं यहां पे? तो उससे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है? एंड ये कोर्स पे फोकस करो, समझ रहा है? अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या मंथ चल रहा है अभी अपना? अप्रैल, ओके। तुम्हारा एग्जाम कब होगा? सितंबर में होगा या जनवरी में होगा, जो भी, चलो सस्पेंस है तो 2 मिनट के लिए मान लो, क्लियर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इवन यू कैन बिकम एलिजिबल फॉर सितंबर 24 के लिए भी तुम एलिजिबल हो सकते हो। अभी तक आईसीएआई ने इतना क्लियर नहीं किया है, ओके। रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके दिमाग में यह रहेगा कि तुम्हारा एग्जाम नवंबर दिसंबर 24 है, शायद तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा ना, नवंबर दिसंबर 24 है, ओके। बट हो सकता है कि राइट, यू कैन राइट सितंबर 24 एग्जाम अल्सो, तो ये बैच हम सितंबर के एंगल से ही कंप्लीट करेंगे। किसके एंगल से? सितंबर के एंगल से ही कंप्लीट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर सितंबर के एंगल से कंप्लीट करेंगे एंड आईसीआई ने बोल दिया कि नहीं भाई सितंबर में एग्जाम ही नहीं होगा इस बार, दिसंबर में होगा या जनवरी होगा, तो वो तो एग्जाम हम दे ही पाएंगे ना। अगर हम अपने अगर हम दिसंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो फिर सितंबर के लिए अपन रेडी ही नहीं रहेंगे फिर, यस और नो? तो हम कौन से एग्जाम के लिए अपने आपको प्रिपेयर करेंगे? अपन यही आज से, आज के बाद में अगर सेकंड लेक्चर में अगर आपको कोई पूछ रहा है कि भाई हम कौन सा एग्जाम देने वाले हो आप लोग, तो आप क्या बोलोगे? सर हम सितंबर 24 देने वाले। क्या बोलोगे आप? सितंबर 24 देने वाले, ओके। तो हम अप्रैल में अभी है, सितंबर में अपना एग्जाम है, कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने, बराबर है कि नहीं? तो ये 5 महीने, 5 महीने के पहले ही हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सितंबर में विल बी रेडी। तो आप अभी 12th पास होके, 12th अपीयर होके यहां पे आए ना बच्चों, 18 के आसपास आपका एज रहेगा, 18 के आसपास, बराबर है ना? तो बराबर है ना, ऐसे ही कुछ है ना? क्या आपका एक क्या बर्थडे रहा? 2006-07 बॉर्न रहोगे ना, 2006 बॉर्न है मैक्सिमम लोग आप में से, 2006-07-05 इसके रेंज में कुछ रहेंगे, मेजोरिटी ऑफ योर 2006 बॉर्न, ओके। अभी 2024 चल रहा है, बराबर ना बच्चों? सितंबर में एग्जाम दोगे आप, ओके। फिर अगले नवंबर में, नवंबर 25 में, या हो सकता है कि मैं नवंबर 25 ऐसे मान लो, तुम्हारा इंटर का एग्जाम आएगा। आर यू गेटिंग मी? नवंबर मतलब अभी ये भी चेंज होने वाला है ना, तो हो सकता है कि सितंबर में ही आए अगर इंटर का भी वो पैटर्न चालू हो गया तो चलो सितंबर 24 में अपन सीए फाउंडेशन देने वाले। कब? चलो सीए फाउंडेशन एग्जाम कब देने वाले अपन? हाँ चलो बोलो, सीए फाउंडेशन, हाँ बोलो, सितंबर 24, सही है? इसका रिजल्ट आएगा करीबन 1 अक्टूबर के एंड में, आप उसके बाद में इंटर ज्वाइन करोगे। इंटर का एग्जाम कब दोगे? सीए इंटर, हाँ बोलो, सितंबर 2025, सितंबर 2025 में। उसका एक नवंबर तक रिजल्ट, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में तुम्हारा आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है बच्चों? उसके बाद में 3 साल के बाद में, मतलब
चलो नवंबर 20 नवंबर या चलो एग्जाम दो ही है, सीए फाइनल का दो ही बार है, एक अप्रोक्सीमेटली समझो नवंबर 28 के आसपास, या तो सितंबर रहेगा या जनवरी, व्हाटएवर इट इज, बट अप्रोक्सीमेटली नवंबर 28 सीए फाइनल का हो, मई नवंबर रखेंगे क्या रखेंगे जो भी है क्लियर करेंगे, फाइनल दो ही बार है, पता है ना आपको ये, ओके तो नवंबर 28 के आसपास ओके आपका सीए फाइनल एग्जाम आएगा। तो दो मिनट के लिए मान लो कि 2028 के एंड में तुम सीए बन गए, 2028 के एंड में तुम सीए बन गए, ये तुम्हारा अर्लीस्ट टाइम है टू बिकम सीए। तो आज के बाद में कितने साल सीए बनने का टाइम है, चलो ये 2024 चल रहा है, 25 26 27 28 मतलब अराउंड 4.5 ईयर्स, अराउंड 4.5 ईयर्स टू बिकम सीए, करेक्ट है, 4.5 ईयर्स इज द टाइम टू बिकम सीए। अच्छा मुझे बताओ, अभी हम अप्रैल में हैं, ओके अगले साल में ओके सितंबर में, सितंबर तक मतलब आज से करीबन करीबन डेढ़ साल, सुन रहे हो क्या, करीबन डेढ़ साल तुम इंटरव्यू पास हो जाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बता आज तुम्हारा एज 18 है, अराउंड एक 19.5 की एज में डेढ़ साल में तुम्हें अगर कोई बोल रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो तुम क्या बताओगे उसको, मैं सीए फाइनल में हूं आर्टिकलशिप कर रहा हूं, तुम बोलोगे मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं पीडब्ल्यूसी में, ईयूआई में, बड़े फॉर्म में, यहां पे वहां पे, आप समझ रहे हो क्या, हो सकता है कि डेढ़ पौने दो साल के बाद में तुम्हारे पापा तुम्हें फोन कर रहे हैं और बोल रहे बेटा कहां पे हो, तो तुम बोल रहे हो कि पापा ये यहां पे राइट, ये ऑफिस वालों ने मुझे दिल्ली भेजा है आज ऑडिट करने के लिए, ये ऑडिट करके मैं कंप्लीट कर रात को मुंबई आ जाऊंगा और उसके बाद में राइट एक बस लेके पुणे आ जाऊंगा, समझ रहा है क्या, हो सो एंड कल सुबह मुझे बैंगलोर के जाना है वहां पर एक कंपनी में राइट एक 5 दिन ऑडिट करना है, डेढ़ साल के बाद तुम्हारी ये जिंदगी रह सकती है वर्सेस समझ से क्या रह सकती है, कम कम नेवर सरेंडर, आफ्टर मे देर इज नवंबर, है कि नहीं, व्हेन देर इज अ विल देर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देर इज अ मे, है कि नहीं, इसमें ये आषाढ़ी कार्तिकी समझ है क्या आपने को, ये मे नवंबर में बहुत सारे लोग हैं, फिर समझ रहे कि नहीं, उनका क्या आपको लगता है, नहीं सर ये इतने पास ये पढ़ाई कोर कोर के फेल होते, पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई किया ही आपको बताते, हा अच्छा मुझे बताओ 12th स्टैंडर्ड में तुम कितना पढ़ाई किए, ईमानदारी से बताओ, रोज 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे कुछ दिन के एवरेज टोटल नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी डिवाइड बाय ड्यूरेशन करो, आई एम वेरी श्योर 1.5 घंटे के ऊपर नहीं आएगा, किसके ऊपर नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड डिवाइड बाय ड्यूरेशन करो, ईमानदारी से लेकिन आई एम वेरी, एंड जो तुम्हें से अच्छे अच्छे मार्क्स ले रहा है ना उसका एवरेज 1.5 घंटा नहीं है, बाकी नालायक को तो छोड़ दो, समझ रहे, जो अच्छा पढ़ रहा है बहुत अच्छा कर रहा है उसका ही एवरेज नहीं है, अब लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, अरे भाई मैं 20 साल से यहां पे देख रहा हूं ना, कुछ तो जानता ही रहूंगा, क्या है और क्या नहीं है या नहीं है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दिखाने का रहता है ये कि बस हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब जैसे अभी इंडिया में आजकल ट्रेंड है कोई सक्सेसफुल बनते ही वो क्या कर देता है, अपना सक्सेसफुल बनते ही वो जहां से उसने स्टार्ट किया वो लेवल को इतना नीचे कर देता है कि लोगों को लगे कि भाई क्या मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, जैसे ही तुम सीए फाउंडेशन पास हो जाओगे तुम क्या बोलना चालू करोगे, खाने को नहीं था है कि नहीं, वैसा नहीं था बराबर है कि नहीं, यहां पे मैं आया एक दिन देखा जेब में 1 रुपये भी नहीं है फिर मैं वड़ा पाव खा के सो गया, इससे ये क्या हो रहा है, सिर्फ सुनने वालों को बहुत भारी लग रहा है ना ये, भाई क्या किया इसने, ऐसा है कि नहीं, तुम भी अपना कोई जूनियर मिला तो उसको बॉम्बार्ड करते रहोगे ना एडवाइस, भाई देख मैं तुझे बताता हूं डेडिकेशन क्या रहता है कि नहीं, तुम हो सच्ची में, लेकिन ईमानदारी से बताओ तुम हो सच्ची में या तुम दिखा दे हो ज्यादा, तुम दिखा दे बहुत ज्यादा हो लेकिन, है कि नहीं, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अभी एकदम स्टेटस में रखा रहेगा फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट सी एस्पायरेंट, है कि नहीं, ड्रीम्स ऐसा ऐसा कुछ रखा होगा, बराबर है ना, 15-20 दिन में नॉर्मल हो जाता है सब, 1 महीना पर हो गया वो बोलता है जाने दे भाई सो जा, है कि नहीं,
फिर कुछ लोग ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, कुछ बस अपना अपना जिंदगी चालू कर देते हैं, फिर वो माँ बाप के एक्सपेक्टेशन रह गए बाजू में, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? माँ बाप के एक्सपेक्टेशन रह गए बाजू में, फिर उनको झूठ बोलना चालू करते अपन। तो ऐसा काम मत करो मेरे भाई, समझ रहे हैं ना? कम जो अपना गोल है, जिसके लिए अपन यहाँ पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है, जिस चीज़ के लिए अपने माँ बाप अपने को ये पैसा दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं, उसका कुछ इज्जत रखना, समझ रहे हैं क्या? एंड पूरा का पूरा यहाँ पे ध्यान देना, आप समझ रहे हो? जो लोग मैं ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, अभी नो डाउट कुछ दिन यूट्यूब पे रहेगा, बाद में ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके? बाकी आपको अगले और लेक्चर्स में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कुछ है वो इंस्ट्रक्शंस मिली जाएंगे, आपको नोट्स कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी कब डिस्पैच होंगे, क्या वो सब बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है? बाकी के टीचर्स भी आपको सब बता देंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखो कि ऑनलाइन अटेंड कर रहे, ऑफलाइन अटेंड कर रहे, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना इज लाइक अ वॉचिंग अ मूवी या वॉचिंग अ वेब सीरीज के साथ, उसके साथ कंपेयर करते हैं अपन। अच्छा, आप कोई वेब सीरीज या कोई मूवी देखते हो क्या? वेब सीरीज देखते हो क्या? मूवीज देखते रहोगे ना? अच्छा चलो, ये लड़की एक वेब सीरीज देख रही है समझो, ओके, जिसमें लेट से 12 एपिसोड है, एक एक घंटे के, एक एक घंटे कितने एपिसोड है? 12 एपिसोड है। और ये क्यों देख रही है? क्योंकि किसी ने उसको रिकमेंड किया, बोला बहुत अच्छा है तू देख ले, ठीक है, इतना ही बोला उसको, बहुत अच्छा है तू देख ले। तो आपको भी बताया सीए कोर्स बहुत अच्छा है, कर लो, बराबर है कि नहीं? इसको वैसे एक रिकमेंडेशन मिला कि तू ये वेब सीरीज देख ले, 12 एपिसोड है, बहुत अच्छा है। तो इसने देखना चालू किया, फर्स्ट एपिसोड देखना चालू किया, एक आधा घंटा देख भी लिया, एंड आधा घंटा उसने इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखा कि बस कोई लिमिट नहीं, 100% कॉन्सेंट्रेशन था उसका। आधे घंटे का रिजल्ट यह है कि उसको कुछ भी नहीं समझा, उसको कैरेक्टर्स तक नहीं समझ रहे कि ये कौन है एग्जैक्टली, इसमें से चोर कौन है, पुलिस कौन है, राइट टेररिस्ट कौन है, ये तक नहीं समझ रहा है उसको, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, क्या है, वो कैरेक्टर्स तक ठीक से नहीं समझे उसको। अच्छा मुझे बता, आधा घंटा उसने ध्यान दिया था या नहीं दिया था? 100% ध्यान था क्या उसका? क्या समझा उसको? कुछ भी नहीं। वो बोल रहे कि अरे यार, मैं आधे घंटे से ध्यान दे रहे, कुछ भी नहीं समझ रहा है, पागल है ये वेब सीरीज बनाने वाले, छोड़ दिया उसने। ऐसा होता है क्या? नहीं, आप छोड़ते नहीं हो, वहां पे आप छोड़ते नहीं हो, आप क्या करते हो, आपका भरोसा है, आप बोलते हो नहीं, इन लोगों ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया रहेगा, मैं और ध्यान देती हूं, और फिर बीच में कोई आया तो बोलते हट भाई, पहले से मुझे समझ नहीं रहा है कुछ, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया उसने, ऑलरेडी बहुत था और बढ़ा दिया, और अटेंशन बढ़ा दिया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिवर्स करके देख लिया, कुछ एक आधा डायलॉग छूट गया रहेगा, वो पॉसिबल है या नहीं? बट उसने और अपना अटेंशन बढ़ा लिया, करेक्ट है? एंड फिर वो हो सकता है 12 एपिसोड कंप्लीट किए, कुछ चीजें उसको 11th एपिसोड में लग रही, अच्छा 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 अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर में चल रहा है वो तो फ्लैशबैक में था, अच्छा वो सेकंड, अरे यार ये तो उसके सपने में था, बराबर है कि नहीं? अरे ये तो डबल रोल है, समझा या नहीं? ये तो ऐसा है ही नहीं। आप बता कब समझा आपको ये? 11th एपिसोड में, 12th एपिसोड में लग रहा है कि हाँ यार मजा आया, बराबर है कि नहीं? अच्छा क्लास में हमारा ये अप्रोच क्यों नहीं है भाई? क्लास में ओके, अब मैं पढ़ाना चालू करूंगा, ओके, रेशियो, प्रपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस, अपन ध्यान दे रहे, हो सकता है कि अपने को कुछ समझा नहीं, ओके। अच्छा फिर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए अभी? आइडियली आपका वेब सीरीज में क्या था, वेब सीरीज में क्या था आपका अप्रोच कि भाई नहीं समझ रहा मैं और ध्यान देता हूं? अच्छा क्लास में नहीं समझ रहा है तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा क्योंकि वैसे भी समझ नहीं रहे, करेक्ट और नॉट? ध्यान देके भी नहीं समझ रहा है तो वैसे भी ध्यान देके क्या फायदा हुआ, करेक्ट है? तो यहां पे क्या मिसिंग है फिर? वहां पे वेब सीरीज के डायरेक्टर पे भरोसा था पूरा, नहीं भाई इन्होंने बनाया, जबकि नालायक से नालायक लोग बनाते, कुछ सभी नहीं, बराबर है कि नहीं? तो वो लोगों पर भरोसा है आपका कि नहीं इन्होंने बनाया तो कुछ तो बात रहेगी, बट हम लोग यहां पे 20 साल से पढ़ा रहे, हम पे भरोसा नहीं रखोगे, बोलोगे यार वैसे भी नहीं समझ रहा है, आप समझ रहे हो क्या? तो आप यहां पे एक फेथ के साथ में रहोगे कि भाई ये इंसान अपने लिए बेस्ट जो है वो करेगा, समझ रहा है? जजमेंट के बिना अगर आप आओगे यहां पे तो हम परफॉर्म कर पाएंगे ना मेरे भाई,
अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमको पहले दिन से ही मजा आना चाहिए, तो फिर वो कर सकता हूं मैं आपका, बड़ी चक्कर में ना मैथ्स रह जाएगा बाजू में। समझ रहा है क्या? आपको खुश नहीं करना चाहता मैं, आपको कॉम्पिटेंट बनाना चाहता हूं ये सब्जेक्ट में। खुश करना आपको बहुत आसान काम है, मैं आसान काम करूंगा नहीं। आपको क्या यहां पे चार फालतू के जोक सुनाए, ये गाना गाए, ये कर लिए, खुश? बच्चा बोलेगा वाह वाह क्या टीचर है यार, करेक्ट और नॉट? फायदा नहीं है ना लेकिन कुछ भी। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, कुछ अगर आपका जो भी कुछ है, आप एक रिजल्ट जब आएगा तब सच्चाई बाहर आएगी ना सब। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, तो उसके लिए चाहिए आपसे कोऑपरेशन बच्चों, आपका ट्रस्ट। क्या चाहिए? ट्रस्ट, आपका भरोसा चाहिए। आपको वो वेब सीरीज के डायरेक्टर पे पूरा भरोसा था कि नहीं, जब आप देख रहे थे कि नहीं भाई ये पूरा मैं देखूंगा? तो आप भी यहां पे एक रिकमेंडेशन के साथ आए ना, आप भी ऐसे उठ के वॉक इन तो नहीं आएंगे ना यहां पे आप? आपको किसी ने तो डेफिनेटली बोला है कि नहीं भाई जा अच्छा पढ़ाएंगे लोग, यस? तो यहां पे आए तो आप एक ट्रस्ट के साथ कंटिन्यू करो कि बॉस राइट, ये लोग बहुत अच्छा हमको पढ़ा लेंगे। समझ रहे क्या? आपको एग्जाम के एंगल से पूरा हम रेडी कर देंगे, एग्जाम रेडी कर देंगे राइट बिफोर योर सेप्टेम्बर एग्जाम ओनली। समझ रहे क्या? बिफोर योर सेप्टेम्बर एग्जाम ओनली, आपके एग्जाम के लिए हम आपको एकदम रेडी कर देंगे बच्चों। आप समझ रहे हो क्या? बट आपको राइट क्लास को रोज आना है, रोज एवरी डे यू नीड टू कम टू द क्लास। समझ रहे आपको ये? एक दिन भी आपको लगा कि नहीं यार छोड़ देते ये करते राइट? हर यहां पे देखो बच्चों, पहले अपन बोलते थे ना कि वो भगवान हर पाप की सजा देता है, बट पहले वो भगवान क्या मैनुअल अकाउंटिंग करता था, वो समझ रहा है क्या, खाता पुस्तक था उसके पास में, ओके? बहुत उसको पहले ऐसा रहता था कि वो अगले जन्म में सजा देता था, क्योंकि अकाउंटिंग करने में टाइम लगता था ना। अब भगवान भी आईपैड लेके बैठा है, समझ रहा है ना? ये वो भगवान भी सोचता है हाँ चलो ये इतने क्लास मिस किए, ये किए, हाँ किए, फेल कर दो इसको, चलो। समझ रहे कि नहीं? भगवान भी अभी समझ रहा है ना, डायरेक्ट इधर 10 GB का रैम लेके बैठा है, समझ रहे हैं ना? एंड इधर कम से कम 200-500 TB का हार्ड डिस्क लेके बैठा है, सब फुल अकाउंटिंग करता है, सब डेटा प्रोसेस होके सामने आता है अभी यहाँ पे। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ भी कर लिया, अच्छा कुछ भी कर लिया एंड फिर भी फाउंडेशन पास हो गया, ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है फाउंडेशन तक, हाँ बताओ, बट फाउंडेशन पास होना ये सबसे बड़ा ट्रैप है फिर उस केस में। बिना मेहनत के फाउंडेशन कुछ चीज अचीव करना ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि तुम सीए इंटर कभी पास नहीं होगे। ये लेवल का नाम क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन थोड़ा बहुत कच्चा रह गया फिर भी एडजस्टेबल है, फिर भी बनाई बिल्डिंग अपन ने, क्या होगा? गिरेगी वो, एंड ऐसे टाइम पे गिरेगी कि ज्यादा नुकसान करेगी। इससे अच्छा आपको लगेगा बाद में कि थोड़ा मैं फाउंडेशन में और मेहनत करता, समझाया नहीं, ये बिल्डिंग थोड़ा लेट बनाता। आप समझ रहे हो क्या? तो ये फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आगे जाके भी कोई मतलब नहीं है, समझाया नहीं? अनदर थिंग, ओके, कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे कवर करना है, एक एक बताता हूं। नंबर वन, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए बता दूं, आप में से कुछ लोग रहेंगे जो इसके पहले रीजनल मीडियम में पढ़े, कुछ है क्या तुम में से? कुछ मराठी मीडियम में या कोई हिंदी मीडियम, कन्नड़ा मीडियम, कुछ रहेगा ऐसा? या टेंथ तक पढ़े रहेंगे, पॉसिबल है? तो सबसे पहले आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ ऐसे मीडियम में पढ़ा, ये यहाँ पे लेवल यहाँ पे जो रहेगा, हम हर चीज एकदम बेसिक से बताएंगे, हर चीज एकदम बेसिक से। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, समझ रहा है क्या? आपके दिमाग में घुसने तक हर चीज पढ़ाएंगे यहां पे। ओनली थिंग इज दैट तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए कि यहां पे हाँ भाई ये करेगा। आप एक काम करो, हमारे कोई भी पास स्टूडेंट को उठा के पूछ लो कि भाई ये क्या पढ़ाते कैसे करते, वो बोलेगी आपको कि भाई बिंदा आंख बंद करके बस बिंदास चले जा, ये लोग सब देख लेंगे, तू बस वो जो बोल रहे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। समझ रहा है क्या? आप अपना दिमाग बीच में लगाएंगे ना बच्चों, एज फार एज हम जो बोल रहे हैं उसको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो फिर आउटकम कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, हम एक प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे ना, ना तुम्हारा फॉलो कर रहे हैं ना हमने बताया फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो अपने को एक कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, किसी एक के विजन के साथ चलना पड़ेगा ना बॉस। चार लोग दिमाग, अगर टीम में चार कैप्टन हो गए तो प्रॉब्लम है ना बॉस, किसी एक के सोच के साथ चलना बेटर है कि नहीं? आप समझ रहे हो? तो कुछ आउटकम आएगा ना फिर। आप समझ रहे हो क्या? तो सबसे पहले तो आपका यहां पे ट्रस्ट चाहिए कि बॉस ये लोग बहुत अच्छे से करवाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ होगा। आप समझ रहे हो क्या? अनदर थिंग,
मैं जैसे बता चुका आपको कि अगर आपको लग रहा है कि सर हम रीजनल मीडियम में पढ़े इसमें उसमें हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एवरीथिंग हम हर चीज एकदम राइट फ्रॉम द बेसिक पढ़ाएंगे, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, एज इफ तुमने इसके पहले वो कभी नहीं पढ़ा है। आप समझ रहे हो क्या? ओके दूसरा चीज, ओके कुछ लोगों को लगेगा कि सर हमारा 11 ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था। ओके ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसे डेफिनेटली बच्चे रहेंगे। कितने लोग हैं तुम में से जो 11 ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था? बहुत लोग हैं। ओके ऑलमोस्ट यहां पे 50% है। ऑनलाइन वाले भी बहुत रहेंगे जिन्होंने मैथ्स 11 ट्वेल्थ में नहीं किया है। तो मैं आपको आज ही बता दूं, आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव नॉट स्टडीड मैथ्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। जो लोगों ने पढ़ा है उनके लिए बोनस है। समझाया नहीं? मैं उस ये बैच में किसके एंगल से ले रहा हूं? जिसने 10th के बाद में मैथ्स नहीं पढ़ा है एंड 10th तक भी ठीक ठाक पढ़ा है। समझ रहा है? 10th तक भी ठीक ठाक पढ़ा है, बस उसको एटलीस्ट एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन आ जाता है, राइट? कैलकुलेटर कैसे यूज करते, कौन सा बटन कब दबाते हैं, यहां से हम चालू करेंगे। समझ रहा है कि आपको ये सब कुछ हम एकदम बेसिक से सिखाएंगे सब कुछ। ओके आपके आपको जो नोट्स मिलेंगे वो एक अराउंड कुछ 1100 पेजेस के मैथ्स के नोट्स है, 1100 पेजेस। इसलिए मैं हर चीज बेसिक में दिए, हर चीज। ओके तो मैं आपको क्या बुक्स इश्यू करने वाला हूं वो भी बताता हूं। इसमें सबको क्लैरिटी है, 11th 12th आपका मैथ्स नहीं था, प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का 11 ट्वेल्थ में मैथ्स रह के भी वो लोग 11 ट्वेल्थ में ज्यादा डिप्रेशन में आ रहेंगे मैथ्स में, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं सॉरी क्या डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ दिस, आदि लोग तो उसी में परेशान है। समझ रहा है? यहां पे टोटल 18 चैप्टर्स एट सीए फाउंडेशन लेवल। ओके एंड उसमें से एक चैप्टर है, एक है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन दो नहीं, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन बोल के एक चैप्टर आउट ऑफ 18 चैप्टर्स। तो 17 चैप्टर्स में कोई वो आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन है नहीं। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो हार्डली कुछ पार्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सिलेबस में नहीं है, है, बट वो कितना परसेंट है आप समझ सकते हो यहां पे? यस और नो? अपना ये मैथ्स ओके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर है या डिस्क्रिप्टिव है? अच्छा सीए फाउंडेशन में सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव है क्या? दो डिस्क्रिप्टिव है, कौन से? अकाउंट्स एंड लॉ, एंड दो ऑब्जेक्टिव है, कौन से? मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। वैसे आप मैथ्स बोलते बट सब्जेक्ट का नाम है क्या बोलो? बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। वैसे इसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या नाम है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच कंसिस्ट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। यू कैन कॉल इट एज QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या मैथ्स बोला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वी मोस्ट पॉपुलरली हम उसको क्या बोलते हैं? मैथ्स, मैथ्स स्टैट एंड LR। तो 18 चैप्टर्स है बच्चों इसमें, एंड ये 18 चैप्टर्स के कितने MCQs आते हैं? 100। कितने MCQs पूछे जाते हैं? 100। अच्छा मुझे बताओ 100 MCQs में ओके आपको हर MCQ एक मार्क का होता है, बराबर है ना बच्चों? 100 MCQ, MCQ मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके आप समझो कोई स्टूडेंट ने ये 100 में से एग्जाम में लेट अस से 80 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? एंड 20 उसने सॉल्व ही नहीं किया, मतलब 20 का आंसर उसने उधर टिक मार्क किया, वो जो सर्कल करते ना वो MR में, वो किया ही नहीं, दो भी स्किप कर दिए उसने, एंड 80 सॉल्व किए। अच्छा जो 80 सॉल्व किए उसमें से समझो 55 करेक्ट है, कितने करेक्ट है? एंड 25 रॉन्ग है, 25 रॉन्ग है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे ये बच्चों को? ये बच्चों को कितने मार्क्स मिलेंगे आप बता सकते हो? मैथ्स में कितने मार्क्स है उसको? यस आपको समझा क्या मैं क्या क्वेश्चन पूछा? कितने MCQs है? 100 में से सॉल्व कितने किए उसने? 80, 20 तो स्किप कर दिया उसने। समझ रहे हैं आपको ये? उसके बाद वो जो 80 सॉल्व किए उसमें भी 25 रॉन्ग है, 55 करेक्ट है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे ये बताता हूं। 55 करेक्ट है ना बच्चों? तो 55 × 1 माइनस 25 रॉन्ग है ना, × 0.25 कितना था ये? 6.25। तो 55 में से 6.25 गए, क्या आंसर है बोलो? 48.75 विच विल बी राउंडेड ऑफ टू 49। तो उसको 49 मार्क्स मिलेंगे, उसके मार्कशीट पे आएगा 49। समझ आया क्या बच्चों? आर यू गेटिंग दिस?
तो समझा मार्किंग स्कीम क्या रहता है, एक करेक्ट आंसर को एक मार्क, एक रॉन्ग आंसर विल डिडक्ट 0.25 मार्क्स, विल डिडक्ट पॉइंट, मतलब इन शॉर्ट चार रॉन्ग आंसर आपका एक मार्क नीचे लाएंगे, चार रॉन्ग आंसर, बराबर है कि नहीं, फोर रॉन्ग आंसर, फोर इंटू 0.25 वन हो जाएगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा दो मिनट के लिए मान लो कि ये चेंज करो, लेट अस से ये 55 की जगह पे अगर उसने 60 करेक्ट किए थे, कितने करेक्ट किए थे बोलो, 60 एंड 20 रॉन्ग किए थे, तो आप बताओ उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 55, कितने मार्क्स मिलेंगे 55, कैसे बताओ, 60 into 1 60, हां बोलो, माइनस बोलो 20 into 0.25 कितना है ये 5, तो 60 में से 5 गए, कितने मार्क्स आए उसको 55 मार्क्स है बच्चों, 55 मार्क्स उसको मिल रहे। एंड सेम अप्लाइज राइट टू ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट, इंटरमीडिएट फाइनल में भी राइट 70 मार्क का पेपर, हर पेपर 6 पेपर है इंटरमीडिएट में, उसमें हर सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है, बट इंटरमीडिएट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ रहा है क्या, जितने करेक्ट आए बस उसके मार्क्स मिलते हैं, निगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं है, बट फाउंडेशन में मैथ्स में निगेटिव मार्किंग भी है, बट इतना खतरनाक निगेटिव नहीं है, कई सारे कैट में अगर आपने देखा रहेगा या कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट 1:1 होता है, मतलब एक करेक्ट का एक मार्क मिलता है, एक रॉन्ग का एक माइनस होता है, ऐसा मतलब एक करेक्ट एक रॉन्ग किए तो एज बेटा 0 पे ही हो तुम, यहां पे ऐसा नहीं है ना बॉस, वन रॉन्ग आंसर डिडक्ट 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स, सो दिस इज द मार्किंग स्कीम। ओके आपको बताओ ये सीए फाउंडेशन पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहता है आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 कितने मार्क्स चाहिए रहता है 200, आई एम श्योर ये सबको पता है बट फिर भी फर्स्ट लेक्चर है आपका राइट, इसलिए बताता हूं कितने मार्क्स चाहिए आपको, 200 मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, 200 सब्जेक्ट टू 40 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, पता है ना आपको ये, सब्जेक्ट टू 40 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, समझो किसी को मैथ्स में या समझो अकाउंट्स में 90 आए, अकाउंट्स में 90 आए, समझो लॉ में 60 आए, तो 90+60 कितना हुआ 150 आए, समझो मैथ्स एंड समझो इकोनॉमिक्स में उसको 80 मार्क्स आए, 150+80 कितना हुआ 230, एंड समझो मैथ्स में 30 आए, तो 230+30 260 हो गए, उसका रिजल्ट क्या है, फेल, क्योंकि मैथ्स में 30 है, समझा या नहीं। अच्छा मुझे बताओ कोई स्टूडेंट को समझो मैथ्स में 45 आए, अकाउंट्स में 45 आए, 45 45 90, ओके बाकी दो सब्जेक्ट में भी 50 50 आए, 45 45 50 50, तो हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर है, टोटल स्कोर कितना हुआ 190, पास हुआ क्या वो, नहीं, वो भी फेल है, समझा या नहीं। तो पास होने की क्राइटेरिया समझा आपको, ये यू नीड एटलीस्ट 200 मार्क्स सब्जेक्ट टू मिनिमम 40 मार्क्स इन एवरी पेपर, सब्जेक्ट टू मिनिमम 40 मार्क्स इन एवरी पेपर, हर पेपर में आपको 40 भी चाहिए एंड टोटल 200 या 200 के ऊपर चाहिए। ओके ऑब्वियसली 200 या 200 के ऊपर हम बोल रहे हैं, बट हम लोग तो ऑब्वियसली 320 330 350 360 टारगेट करेंगे ना, यस और नो, रैंक में आने की कोशिश करेंगे ना। ओके बट अनफॉर्चुनेटली ICAI CA फाउंडेशन में रैंक डिक्लेयर नहीं करता है, पता है ना आपको, ये पता है कि आपको, ये ICICA फाउंडेशन में रैंक ऑफिशियल रैंक डिक्लेयर नहीं होता है, आप समझ रहे हो क्या, कहीं पे ऐसा बताया नहीं जाता कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये ऑल इंडिया रैंक 2 है, दैट इज ओनली फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सीए फाउंडेशन में आपको सिर्फ मार्क्स मिलते हैं, हाँ भाई 370 मार्क्स है, 372 मार्क्स है, 374 मार्क्स है, 320 मार्क्स है, 260 मार्क्स है, 268 मार्क्स है, आप समझ रहे हो क्या, देयर इज नो ऑफिशियल रैंक डिक्लेयर बाय ICAI, इट ICAI ओन डिक्लेयर ऑफिशियल रैंक फॉर सीए फाउंडेशन, बट हम लोग 300+ टारगेट करेंगे मार्क्स बच्चों, करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 300+ मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है, अगर आपके देखो आप अन्य से प्लान करोगे, प्लान फ्लॉप हो जाएगा, डिप्रेशन आएगा, ऐसा काम करेंगे नहीं ना मेरे भाई, समझ रहे हो, आप सोचेंगे मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटा कोई नहीं पढ़ता रहता है, आप समझ रहे हो क्या, आप बोलोगे नहीं सर सीए में करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, समझ आएगा आपको, ये कितना पढ़ना पड़ता है 2 घंटे फाउंडेशन में, 2 घंटे बस है, समझाए नहीं, 2 आवर्स, आप बोलो नहीं सर इंटर में, आप मुझे बताओ इंटर में जो पास होने वाले 2-4 बंदे ढूंढो और उनको पूछो, जो सच बताएंगे उनको पूछो कि भाई, वो बोलेगा मैं रोज क्लास किया, यानी 2-3 घंटा पढ़ाई किया, बहुत हुआ दो इंटर में भी, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन 10-11 घंटा रहता है रोज, उसके बाद में 2-3 घंटा पढ़ लिया ऑफिशियल, जो बाद में जो लास्ट में एग्जाम के पहले 2.5-3 महीने लीव रहता है उसमें 8-10 घंटा रोज पढ़ लिया, हो गए यार, आप समझ रहे हो नहीं। अच्छा मुझे बताओ
अगर आपको ये फाउंडेशन के कितने अभी बताओ, मैं रोज 2 घंटे पढ़ने बोल रहा हूं, मतलब बहुत टफ काम है क्या? अच्छा इंटर के 1-5-6 महीने ओके, जो अपने को क्लास का ड्यूरेशन है उसके बाद में 2 घंटे 5-6 महीने उतना शेड्यूल संभालना है। इसके बाद में आप सीए फाइनल में रहोगे, सीए फाइनल में तो 3 साल के बाद एग्जाम है डायरेक्ट, 3 साल के बाद एग्जाम है, साइड बाय साइड आराम से आप एक 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 सब्जेक्ट का कोचिंग कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहा है कि आपको ये राइट आर्टिकलशिप रहेगा आपका और सब कुछ, स्टाइपेंड मिलता रहेगा उस केस में, करेक्ट है। इमेजिन करो यार, तुम में से कोई बच्चा आज से डेढ़ साल के बाद में घर पे बोल रहा है कि पापा 1 रुपए मत भेजो आज के बाद में, इनफैक्ट मैं आपको महीने के 5,000 भेजता हूं। क्या लेवल, और 5,000 छोड़ो मेरे भाई, बट क्या लेवल की खुशी रहेगी मां बाप की सोचो। आज के 1.5 साल के बाद तुम बोल रहे हो कि पापा तुमने पैसा तो भेजना तो छोड़ो, मैं राइट यहां पे आर्टिकलशिप कर रहा हूं, मुझे खुद को 18,000 स्टाइपेंड है और मेरा 10-12 हजार में काम हो जाता है, मैं आपको 5-6 हजार भेज सकता हूं, या मैं 5-6 हजार में डीमैट अकाउंट ओपन किया, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं हर महीने में 5-6 हजार रुपए, मैंने 5,000 रुपए का SIP स्टार्ट किया। क्या लेवल की खुशी होगी यार, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएगा उस दिन, बोलेंगे क्या भाई क्या मतलब क्या सुधर गया मेरा बेटा। वर्सेस आप बोल रहे हो नहीं सीए कोर्स बहुत टफ ही होता है, मैं 2 बार फेल हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूं, है नहीं इधर झक मारने का अपन, है या नहीं? वो तो कोई बात नहीं हुई ना यार, मैं अब जानबूझ के मैं ये लैंग्वेज ये यूज कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई यही है, समझ रहे है नहीं, सच्चाई यही है। मेरे से आप कोई उम्मीद करना मत करना कि पूरे बैच में कि भाई ये बहुत अपने को खुश रखेगा ये कुछ। आपने बचपन से कोई मैथ्स का अच्छा टीचर देखा है क्या जो बहुत अच्छी अच्छी बात करता है? देखा है क्या? आई एम ऑल्सो नो एक्सेप्शन टू दैट, ओके, आई एम ऑल्सो लाइक दैट ओनली। थोड़ी बहुत बाकी सब्जेक्ट से टीचर से उम्मीद कर लेना थोड़ी अच्छी बात, ओके, बट बहुत अच्छे मार्क्स जरूर एक्सपेक्ट करना, ओके, बहुत अच्छा प्रिपरेशन जरूर एक्सपेक्ट करना। आप एक्सपेक्ट करना कि सर आप ऐसा क्लास में यहां पे कराओ कि हमें हार्डली घर जाके कुछ करना पड़ेगा, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, बट हार्डली कोई आप क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा फिनिश कर देगा। यस आई एम रेडी फॉर दैट, बट मैं 50% हो ना बॉस आपके प्रिपरेशन में, बचा हुआ 50% तुम खुद हो ना, यस और नो? अगर वो 50% आप नहीं दोगे तो फिर ये 50% किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा एंड अगर आप क्लास को ही नहीं आओगे तो मैं कैसे पढ़ाऊं? कुछ कुछ लोगों का तो इतना अडामंट रहते कुछ कुछ लोग कि वो बोलते कि मैं क्लास को नहीं आऊंगा, जब मैं आऊंगा तब ध्यान भी नहीं दूंगा, तू हमको पास करो, कैसे करूं? अच्छा इसके बावजूद अगर मुझे सिर्फ बिजनेस के प्रॉमिसेस देने रहते तो मैं आपको बोलता भी ना तू कुछ मत कर मैं ही कर लूंगा। कुछ तो जिंदगी में काम खुद करना पड़ेगा ना भाई, अंबानी भी रहा तो कुछ काम तो खुद ही करता रहेगा ना, दूसरे को नहीं बोल सकता ना तू कर ले करके। आप समझ रहे हो या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? या अंबानी है बोल के हो जाता है ऑटोमेटिक? नहीं होता है ना भाई। आप समझ रहे हो क्या? कुछ काम तो आपको खुद करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे आप दूसरों पे छोड़ नहीं सकते ना, वो पढ़ाई करना है भाई, चलो इतना जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, मैं बोला कि चलो भाई इतना करके आओ देखो और मैं और क्लियर करूंगा उसमें कंसेप्ट आपके, आप बोलोगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, कोई फायदा नहीं ना मेरे भाई, है या नहीं? इंडिया में अगर समझो अभी आपको 4 लाख CA में बोला ना, अभी एज ऑन डेट करीबन ICAI के पास 20 लाख स्टूडेंट है, एज ऑन डेट कितने स्टूडेंट्स है? 20 लाख स्टूडेंट है फाउंडेशन इंटर फाइनल में मिला के। तो आप मुझे बताओ ये 20 लाख में से कितने सीए बनने वाले? अगर पिछले 70 साल में 4 लाख बने हैं तो अगले 4 साल में कितने बनेंगे? कितने बनने वाले? चलो ऑप्टिमिस्टिक नंबर बताओ, 50,000? चलो 50,000 बहुत ज्यादा हुआ, फिर भी 50,000 पकड़ लेते, 50,000 आउट ऑफ 20 लाख कितना हुआ? आउट ऑफ 20 लाख 50,000 कितना हुआ? 2.5% कितना हुआ? 2.5% ही हुआ ना, यस और नो? 20 लाख का 10% 2 लाख यार, उसका भी और 1/4 है ना, 2.5% हुआ कि नहीं, यस और नो? तो 2.5% 20, एंड वो भी मैं क्या बोला, अभी के जो स्टूडेंट 20 लाख, अभी और भी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे ना, एंड फिर भी मैं नंबर ऑफ सीएस का नंबर क्या लिया, 50,000 लगता है क्या आपको? 50,000 फिर आपको लगता है फिर तो बहुत टफ है सर? अरे मेरे भाई वो ले, इसमें आना पड़ेगा ना आपको फिर तो। अगर आपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालना पड़ेगा कि नहीं, है या नहीं? सपने अपने को अपने अगर विराट कोहली बनने के है तो वो लेवल का बैट्समैन भी बनना पड़ेगा ना,
वो लेवल की कंसिस्टेंसी भी लाना पड़ेगा ना, वो लेवल के सैक्रिफाइसेस भी चाहिए ना बॉस, करेक्ट है। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उनका कोई तो एक आधा कोई तो फोटोशूट देखते, ये करते, अपने को लगता है कि इनकी जिंदगी है। क्या लेवल की मेहनत करते ये लोग अपने को पता नहीं है, क्या लेवल की। वहां पे जाना और वो मेंटेन करना, आपको लगता है कि ये इतना आसान काम है? आप समझ रहे हो क्या? कोई भी कहीं भी आप लोगों को लगता है ये टीचर और यार ये करोड़ों रुपए कमाते हो, ऐसा करते, यहां तक आने के लिए हमने क्या क्या किया हमको पता है? आप समझ रहे हो क्या? अननेसेसरी हम लोग यहां पे वो स्टोरी वोरी बताते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उससे हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना फोकस रहेगा सिर्फ क्या, मैथमेटिक्स। क्या रहेंगे कल से? मैं आपको इधर उधर की ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा कल से, मैथ्स। आपका काम रहेगा यहां पे मैथ्स। ओके, अगला एक क्वेश्चन है कि सर नोट्स का क्या होगा? तो जो लोगों ने ऑब्वियसली जीडीपीडी के मोड से पढ़ने वाले, उनको नोट्स शायद अभी तक मिले रहेंगे, फेस टू फेस स्टूडेंट्स को नोट्स मिल जाएंगे। ओके, वो सेकंड थर्ड लेक्चर में अनाउंसमेंट हो जाएगा नोट्स आपको कब कलेक्ट करना है, आपको नोट्स मिलेंगे। मैं मैथ्स में आपको क्या क्या नोट्स मिलने वाले हैं, कौन से बुक्स है, ओके ये बता दो आपको। ओके, तो मैथ्स में टोटल देर आर 5 बुक्स, 1 2 3 4 5, टोटल कितने बुक्स है, 5 बुक्स है। ओके, तो उसमें से पहला बुक है मैथ्स रेगुलर वॉल्यूम 1, मैथ्स रेगुलर वॉल्यूम 1। तो देखो ये यहां पे आपको ऐसे दिख रहा है कि कुछ चैप्टर के नाम यहां पे सामने वॉल्यूम 1 दिख रहा है क्या कुछ? तो ये वॉल्यूम 1, नीचे 7th चैप्टर से आगे वॉल्यूम 2 दिख रहा है आपको ये? तो ये वॉल्यूम 2 में चला जाएगा ये 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स। तो ये 40 आपको लग रहा है, नहीं सर आपने 18 चैप्टर बोला था, तो वो 13 दिख रहा है कि वहां पे 4 चैप्टर ब्रैकेट में, वो छोटे छोटे चैप्टर, इसलिए मैंने मर्ज किया है। समझ रहा है कि आपको ये ऊपर से यहां पे एक 8th चैप्टर दिख रहा है क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, समझ रहा है क्या? वो भी वहां पे आईसीआई के एंगल से वहां पे उन्होंने लिमिट्स डाल के और थोड़ा उसको बढ़ा दिया यहां पे। और एक 4th चैप्टर दिख रहा है यहां पे इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, वो आईसीआई के एंगल से इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, ये 2 अलग अलग चैप्टर है, मैंने अपने बुक में मर्ज किया हुआ है। समझ रहा है क्या? तो इन टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 18 18 चैप्टर्स आर देयर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो ये रेगुलर वॉल्यूम 1 में, और दूसरा बुक है आपको रेगुलर वॉल्यूम क्या रहेगा फिर, 2। तो ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अराउंड 1000 पेजेस है, उससे थोड़े ज्यादा ही रहेंगे, 1000 पेजेस है। आपको लग रहा है सर ये 1000 पेज के सिर्फ नोट्स है क्या? तो ऐसा नहीं है, मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग किया बच्चों। ये आपको दिख रहा है क्या ये नोट्स, ऐसे कुछ इसी का, इसी यही बुक मिलने वाला है आपको, समझ रहे हैं आपको ये? तो ये देख के क्या लग रहा है आपको, जरा देखो और क्या लग रहा है, ऐसे देखिए कुछ थोड़ा वो समझता रहेगा आपको। देखो आराम से देखो और बताओ ये देखिए क्या लग रहा है आपको, ये क्या नोट्स है या नोटबुक है या दोनों है? ये दोनों है, समझा क्या आपको? ये मतलब आपको नोटबुक नहीं लाना यहां पे कोई भी, समझता है क्या? जो आपको मैं बुक दूंगा बस वही तुम्हारा नोटबुक भी रहेगा, समझ रहा है क्या? लिखना उसी में, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन आंसर दोनों उधर ही आ जाएगा, इसी का आपको नोट्स मिल जाएगा, यही हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, तो यहां ही यहीं पे हम सब लोग लिखेंगे, इज दैट क्लियर? यस, तो ये रेगुलर का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हुआ। और एक तीसरा बुक है अपने पास, ओके, दो बुक मैंने बताया अभी तक, समझ रहे हैं आपको? एक तीसरा बुक है ओके, जो आपको अभी ये है तुम्हारा रिविजन बुक। कौन सा बुक है ये तुम्हारा? रिविजन बुक, जो ये बैच जब अपना रेगुलर कंप्लीट होगा ना तब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, जिससे मैं सारे चैप्टर्स वापस रिवाइज करके लूंगा, ऑल चैप्टर्स, समझ रहा है क्या? उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे बट ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। रेगुलर बुक में अगर एक वैरायटी के 5 क्वेश्चंस है तो हो सकता है कि इसमें 2 है, समझ में आ रहा है कि आपको ये? बट सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका बैच खत्म होने के बाद मैं आपका रिविजन भी मैं ही ले लूंगा, आप समझ रहे हो क्या? उसके बाद में जब आपका एग्जाम रहेगा ना बच्चों, तो एग्जाम के प्रीवियस डे एक मैराथन लेक्चर लूंगा मैं 8-10 घंटे का, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले बताऊंगा, वो भी मैं ही करूंगा, बचा हुआ काम आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? उतना तो आप करोगे ना बच्चों, हम हमारे साइड से सब कुछ करेंगे बच्चों, हमारे साइड से। बट आप बोलोगे कि सर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना मेरे भाई, अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि नहीं यहां पे, एंड ईमानदारी से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ईमानदारी से। समझ में आ रहा है क्या? राइट, तुम्हारे सामने जो है वो टीचर है जो 20 साल से पढ़ा रहा है, एंड आपको उसका कुछ फायदा करके लेना है। अननेसेसरी वो जो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का रहेगा ना कि सर हम लोग एंजॉय करने आए यहाँ पे, हम ये करने आए, तो मेरे भाई आपको बता दूं सिर्फ पुणे में 300 MBA कॉलेजेस है, मैं महाराष्ट्र में नहीं बोला, कहां बोला? पुणे में। पुणे में ऐसे ऐसे कॉलेजेस है ना कुछ कुछ, जहां पे आपको ऐसा कॉलेज में जाते ही आपको ऐसा फील आएगा कि करण जौहर का मूवी देख रहे,
आपको समझ रहे क्या? तो आपको एंजॉय ही करना है ना बच्चों, तो उधर जाओ और आज छोड़ दो ये। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि समझ रहा है, अगर आपने को एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहिए तो अपने को ये 3-4 साल जो भी कुछ है, 3-4 साल में भी मेनली तो पहले 1.5 साल ही है, उसके बाद में तो ऐसा कुछ आर्टिकलशिप में शेड्यूल ऐसा नहीं रहेगा कि भाई अपन दिन रात कर रहे कुछ, बस उसमें पहले 2 साल तो आपको लिटरली कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस जाना है, वापस आना है। समझ रहे कि नहीं? ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं रहेगा। एज फार एज अभी अगले 6 महीने में एग्जाम नहीं है तब अपने को तो हिट आता भी नहीं ना कभी कुछ, एग्जाम ही नहीं है तो क्या हिट आने वाला है यार। बीकॉम वीकॉम को तो अपन काउंट भी नहीं करेंगे, वो तो लेफ्ट हैंड से लिखे तो अपन पास होना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, तो अगर तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा बच्चों, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा यहां पे। तो ये तीसरा बुक है, कौन सा बुक है बच्चों? रिवीजन बुक। तो अगर आप देखोगे यहां पे तो यहां पे भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या आपको? एंड मैंने लिखा हुआ आंसर भी दिख रहा है क्या? तो ये मैंने लिखा हुआ है लास्ट बैच का, इसलिए यहां पे वो कंप्लीट है, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट करके लूंगा। ये समझा के मैं क्या बोल रहा हूं? ये कंप्लीट, ये ब्लैंक नहीं है, ये भरा हुआ है, मैंने वो कंप्लीट करने के बाद कैसा दिखता है इसलिए। तो ये आप बताओ, यहां पे मैंने सॉल्व किया हुआ है कि नहीं? यस और नो? तो वैसे ही ये जो रेगुलर बुक है ना बच्चों, ये रेगुलर बुक हम साथ में कंप्लीट करेंगे पहले, एंड उसके बाद में रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब कितने बुक्स हो गए बताओ? ये 3। तो रिवीजन वाला एक बुक, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक। ये तीनों बुक का आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रिंटेड बुक आपको मिलेगा, ये तीनों का। फिर आप जीडी स्टूडेंट हो, पीडी स्टूडेंट हो, फेस टू फेस हो, जो भी हो, आपको साथ में और 2 बुक है जिसका नाम है DD Volume 1। क्या? DD Volume 1। तो डी का नाम है डेली डोस। क्या नाम है वो? Volume 1 Volume 2। तो इसमें मैंने 5000 MCQs दिए दोनों बुक में मिला के, 5000 से भी ज्यादा है, अराउंड 5300 MCQs है इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसका हर 20 क्वेश्चन है उसके नीचे उसके आंसर, 20 क्वेश्चन उसके नीचे उसके आंसर, मतलब ABCD ऐसे आंसर्स रहेंगे। समझ रहा है कि आपको ये? तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, समझ रहा है? ये आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेंगे, तो इसका आपको खुद प्रिंट लेना है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये बहुत बड़े बुक हो जाते हैं, तो हमने राइट हमें वो कुरियर करना है, ऑल दोस थिंग इज नॉट ऑल्सो सो इजी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमने ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हम ये देंगे। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ये सब मिल जाएगा आपको हार्ड कॉपी, राइट? अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स है तो आपके घर पे आ जाएगा, फेस टू फेस वाले बच्चों को इधर ही मिल जाएगा। एंड इसका Volume 1 Volume 2 का ये सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, आपका ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे हम लोग, शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। कहाँ मिलेगा, क्या, बिल्कुल ऐसे टेंशन मत लो Day 1 को, आज ही सब कुछ नहीं करना है अपने को, ओके? आराम से आगे जाना है, सब इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे इसके बाद में। एंग्जाइटी मत लो कि कोई चीज का, कि भाई कब होने वाला है, कब क्या होगा, सब होगा, सब क्लियरली समझेगा, हम एग्जैक्टली मालूम है हमें कौन से टाइम पे क्या करना है। तो अभी फिलहाल आपका काम ये DD Volume 1 Volume 2 नहीं है, फिलहाल आपका काम है ये कल से वो रेगुलर बुक Volume 1 पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर से ही आपको समझेगा कि हम एकदम बेसिक से सीखेंगे, किसे? एकदम बेसिक से, बिल्कुल एकदम 100% सब कुछ समझ के ही हम आगे जाएंगे। लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आपको लगेगा कि भाई कितना स्लो पढ़ाते हैं एंड ऑल दो थिंग्स, बट धीरे धीरे आपको समझेगा कि ये बहुत आसान हो रहा है। एंड लास्ट डे तक हम यही स्पीड मेंटेन करेंगे, ऐसे नहीं कि आगे जाके कुछ तो भगाएंगे, कुछ तो कंप्लीट ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ हम क्लास में कंप्लीट करेंगे, ये पूरा बुक हम क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो जब आपका हार्ड कॉपी मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बता दूं, ये इसका हार्ड कॉपी राइट आपको मिल जाएगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने एकदम रिसेंट एडमिशन लिया हुआ है, उनको अभी अगर वो नोट्स नहीं मिले तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube पे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फाइल मिल जाएगा, जहां पे मैंने सिर्फ Chapter 1 डाला हुआ है। तो Chapter 1 राइट, कम से कम पहले 15-18 लेक्चर तो Chapter 1 ही चलने वाला है, समझ रहा है क्या? अराउंड 15-18 लेक्चर्स। तो Chapter 1 के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट? तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप वो नोट्स डाउनलोड करके ले सकते हो, Chapter 1 का प्रिंट आउट निकाल के रखो उतना, ओके? एंड उसके बाद में जब बुक आ जाएगा आपका, वो बुक में आप खुद लिख लेना बाद में, तो रिवीजन भी हो जाएगा उसी बहाने, ओके? ये बुक में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक पेन छोड़ के कोई दूसरे कलर का पेन यूज करो, मे बी रेड या ब्लू या कोई अदर, समझ रहा है क्या? या मे बी यू कैन यूज मल्टीपल कलर्स ऑल्सो, राइट? आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो रेड में लिखो, राइट? नॉर्मल है, सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स है, ब्लू में लिखो, बट आप ब्लैक पेन मत यूज करो, ताकि थोड़ा सा ये और आपके बाद में रिविजन के एंगल से बेटर रहेगा। जब भी आप बाद में बुक देख रहे हो तो एक अलग कलर रहेगा वहां पर, तो बेटर रहेगा। ब्लैक छोड़ के दूसरे
दूसरा कलर रहेगा तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर। समझ में आ रहा है बच्चों ये? तो ये नोट्स आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों, समझ रहा है? ओके, जीडीपीडी के स्टूडेंट्स तो ये ऑब्वियसली उनके नोट्स हम देख नहीं सकते, बट फेस टू फेस वाले बच्चे यहां पे अच्छे से लिख रहे क्या, ये सब कुछ कर रहे क्या, हम यहां पे ट्रैक रखेंगे, उसका चेक करेंगे बच्चों। जो बेस्ट बुक रहेगा लास्ट में, ओके, मैं आज ही अनाउंस करता हूं, लास्ट बैच में मैं यहां पे नहीं अनाउंस किया था, बट आज ही मैं अनाउंस करता हूं, जिसका सबसे बेस्ट बुक रहेगा ना बच्चों, राइट, उसको हम प्राइस देंगे पहले तीन लोगों को 11,000 रुपीज के। समझ में आ रहा है क्या? कितना? तो आपको तो राइट ये ऑलमोस्ट ये सब्जेक्ट का फीस तो रिफंड ही मिल जाएगा अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो आपको ये बहुत अच्छा बुक मेंटेन करना है, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू एंड फिर रिवीजन आल्सो। रिवीजन तो ऑब्वियसली बैच के एंड में होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, ये 1000 पेजेस हम क्लास में कंप्लीट करने वाले बच्चों। आप समझ रहे हो क्या? हर चीज एकदम बेसिक, मैं 4 बार 10 बार अभी बोल चुका हूं, हम लोग हर चीज एकदम बेसिक से सीखेंगे, बट अगर आप बीच में आपका दिमाग लगाना चालू किए कि नहीं भाई ये कब होगा क्या होगा, तो फिर मुश्किल है, राइट। तुम अगर समझो ये पूरा, अगर ये सीन मतलब अगर एक मूवी है तो मैं डायरेक्टर हूं और तुम एक्टर हो, तुम क्या हो? भले ही जब ये पास हो जाओगे ना तो तारीफ सिर्फ एक्टर की होगी, डायरेक्टर को ने पूछेगा भी नहीं, समझ रहे कि नहीं? हम बोलते शाहरुख खान का मूवी, पीछे देखते हैं कि अपन राजकुमार हिरानी की एफर्ट्स है कि नहीं, या पीछे बैकग्राउंड में विधु विनोद चोपड़ा क्या क्या मेहनत कर रहा है वो अपन देखते हैं क्या? नहीं, बट अपन क्या बोलते हैं, क्या शाहरुख खान है यार, हाँ मजा है यार, समझ रहा है कि नहीं? एंड उसमें कोई गलत भी नहीं है, तुम एक्टर हो तो पास होने के बाद क्रेडिट कौन लेके जाने वाला है? मोस्ट क्रेडिट, मोस्टली क्रेडिट तुम लेके जाने वाले हो, इनफैक्ट तुम खुद बताओगे ऐसे, इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट सो इजी, ऐसे ऐसे कुछ तो स्टेटस डालोगे ना आप, है कि नहीं? थाउजेंड्स ऑफ सेक्शंस, लैक्स ऑफ प्रोविजंस, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स, राइट, हंड्रेड्स ऑफ एक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूले, बराबर है कि नहीं? आर्स ऑफ डेडिकेशन, राइट, सी ए इज नॉट इजी, है कि नहीं? अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू इट एंड रेस्ट ऑफ द अबनॉर्मल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे ऐसे कुछ तो डालोगे ना आप लिंक्डइन पे, इधर उधर पोस्ट डालते ना आजकल कुछ लोग तो, राइट। एक तो एक ने तो क्या डाला था मुझे याद है अभी भी, 4-5 साल पहले कभी तो मैंने पढ़ा था, तब वो आईपीसीसी कोर्स था, वहां पे आईपीसीसी 9 मंथ्स का ड्यूरेशन था एक्जैक्टली, तो उसने लड़की ने डाला था 9 मंथ्स पेन ओनली 2 पीपल इन दिस वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड, वन इज आईपीसी स्टूडेंट, अनदर इज प्रेग्नेंट वुमन। कुछ कुछ लोगों की क्रिएटिविटी का तो जॉब नहीं आजकल, है कि नहीं? एंड कुछ भी नहीं करेंगे, एक सीएम एक बहुत बड़ी ऐसी एक प्रजाति है आजकल जो कुछ भी नहीं करते, जो सिर्फ रोज उठ के क्या बोलते, हम बहुत सैक्रिफाइस कर रहे, हम बहुत मेहनत कर रहे, हम बहुत मेहनत कर रहे, हम ये सैक्रिफाइस कर रहे, हम यूं कर रहे, हम वो कर रहे। भाई अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे तो तू इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे, समझ रहे कि नहीं? कोई दूसरा कुछ तो ये करे वो करे वो समझ सकते हैं, रोज उठ के अपन इसमें नहीं कर सकते बच्चों। मैं आपको एक लाइफ टाइम एक बहुत अच्छा एडवाइस देता हूं, हो सकता है तो फॉलो करो, जितना दूर रह सकते उतना दूर रहो ये सोशल मीडिया से, समझ रहे क्या? टिल यू बिकम समथिंग, टिल यू बिकम समथिंग, समझ रहे कि नहीं? आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली बंद कर दो, ये आज की डेट में हो सकता है कि अभी वो टेलीग्राम वगैरह, मैं खुद आपको बोला कि टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, खुद मैं आपको बताया, बट अब नो डाउट, राइट, जैसे हर एक का चैनल होता है, राइट, तो उसमें हम नोट्स वगैरह पोस्ट कर देते हैं, जैसे मैं ये हर चैप्टर जब मैं कंप्लीट करूंगा ना यहाँ पे बच्चों, तो ये हर चैप्टर के जब मैं यहाँ पे नोट्स कंप्लीट करूंगा वो नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ओके, ताकि आपका कुछ एक आधा पेज रहेगा होगा या कुछ आपने गलत लिखा है या सही लिखा है, आपको थोड़ा डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, हर चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेजता रहूंगा, यहां पे क्लास में तो कंप्लीट होगा ही होगा ऑब्वियसली हर चीज। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने 11 12th में मैथ्स नहीं किया है कोई चिंता नहीं है, आप कोई रीजनल मीडियम में पढ़े कोई चिंता नहीं है, मैं आपको देखो, मैं अन्य सर मुझे स्टोरी वोरी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, बट फिर भी बता दूं 2 मिनट के लिए, मैं खुद 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में पढ़ा हूं, 10th स्टैंडर्ड तक, कौन से मीडियम में? मराठी। 4th स्टैंडर्ड तक हमारा गांव में, छोटे से गांव में पढ़ा मैं, 4th स्टैंडर्ड तक पेड़ के नीचे हमारा स्कूल था, पेड़ के नीचे, समझता है आपको, एक जिला परिषद स्कूल मराठी लोगों को तो समझता रहेगा, पेड़ के नीचे स्कूल था हमारा 4th स्टैंडर्ड तक, समझ रहा है? बारिश आई तो छुट्टी मिलती थी हमको क्योंकि स्कूल को बिल्डिंग ही नहीं थी, समझ रहे क्या? बारिश आ गई टीचर बोलता था बारिश आने वाले जाओ तुम, 1st से 4th तक का 4 स्टैंडर्ड का टीचर ही एक था, थोड़ी देर 1st को पढ़ाता था, थोड़ी देर इधर पढ़ाता था, थोड़ी देर 2nd को पढ़ाता था, बोर हो गया बोलता था जाओ घर, 3rd वाले बहुत बच्चे बहुत मस्ती कर रहे जाओ तुम उधर जाके खेलो,
ये था हमारा, उसके बाद में भी सीए बन गया ना मैं। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में था, 11th 12th साइंस में था ऊपर से, समझा, 11th 12th कॉमर्स में था ही नहीं। इसका मतलब यहां पे आके फिर वो कोई टीचर बोल रहा है यहां पे ये अकाउंट बनाओ वो अकाउंट बनाओ, ये डेबिट करो क्रेडिट करो, बोलो कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, समझ रहा क्या? तो भी बन गए ना सीए। जो क्लासरूम में मैं 1999 में पढ़ा था, 2004 में उसी क्लासरूम में मैं क्लास लिया सीए बन के, 5 साल में, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये वहीं पे ऑलमोस्ट लेक्चर लिया वहां पे। तो और मेरे जैसे लाखों लोग हैं इंडिया में, आपको लोगों को नहीं, सॉरी, ग्रेट इंस्पिरेशन स्टोरी है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी स्टोरी बन जाएगी ऐसे ही, समझ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस? ओनली थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी रखो, समझ रहा है आपको? ये तुम में से कोई कहीं से गांव से आया रहेगा, कहीं से तुम्हें लगता रहेगा कि नहीं सर हमें बहुत कॉन्फिडेंस कम है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, समझ रहा है कि नहीं? तुम सबके साथ में यहां पे, समझ रहा है? आपको लगता होगा कि नहीं यार ये लोग बहुत ही अच्छा, कुछ लोग आपको लगेंगे कि ये बहुत होशियार है, हो सकता है कि उनका थोड़ा लैंग्वेज पे कमांड थोड़ा बेटर है तुमसे, दैट्स द ओनली थिंग, बट इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट इंटेलिजेंस, करेक्ट और नॉट? कोई धार इंग्लिश बात कर रहा है, इट डजंट मीन कि सो इंटेलिजेंट, इंग्लिश का इंटेलिजेंस का कोई संबंध नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे तुम मराठी में फ्लुएंट हो या कोई अदर लैंग्वेज में फ्लुएंट हो, इंग्लिश में फ्लुएंट है वो, करेक्ट और नॉट? एंड तुम एक लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो, इसका ही मतलब है कि कोई तो दूसरी लैंग्वेज में तुम बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, इसकी वजह से यहां पे कम हो, बट ये तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता बच्चों, समझ रहे क्या? एज फार एज हम कोई कंसेप्ट समझ सकते हैं, हमें राइट वो पढ़ने की तैयारी है, एखादा वर्ड नहीं समझा तो उसका मीनिंग समझने की अपनी तैयारी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे क्या? तुम्हें लगता होगा नहीं सर यहाँ के लोग तो मुझे बहुत ही होशियार दिख रहे हैं, मैं तो कहां से, कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। मैं जब पुणे में आया था तो यहां पे ऐसा देख के डरता था, यहां पे कि भाई रिसेप्शनिस्ट से बात करने डरता था कि भाई क्या बोलेगी अपने, बाकी टीचर उचर तो छोड़ ही दो, आप समझ रहे हो क्या? तो उसे कुछ नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं? तुम सेम, तुम्हारे लिए उतने ही अपॉर्चुनिटीज है जितना किसी के लिए। अब तुम लोग 12th पास हो गए, किसी को 95% मार्क्स आएंगे, कोई कॉन्वेंट में पढ़ा है, कोई कहां पे पढ़ा है, किसी का मैथ्स था नहीं था, वॉट एवर इट इज, समझ रहे आपको? ये सब एक है अभी, आर यू गेटिंग दिस? कुछ लोगों ने ये सुन के आए रहेंगे यहां पे कि मैथ्स सिर्फ सीए फाउंडेशन में है, आगे तो कहीं है ही नहीं, तो मैथ्स वीक रहा तो भी चलता है एंड मैथ्स का कोई संबंध ही नहीं है सीए में। किसी ने आपको ऐसा सजेशन दिया रहेगा ना? तो जिसने भी आपको ऐसा बोला है वो इंसान से थोड़ा दूर रहो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, समझ में आ रहा है आपको? ये वो इंसान ठीक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, आप समझ रहे हो बच्चों, जिसने तुमको ऐसा सजेशन दिया है। मुझे आप बताओ, कल जाके हम कॉस्टिंग पढ़ने वाले, AFM पढ़ेंगे, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटर में FM पढ़ेंगे, फाइनल में FR पढ़ेंगे, आपको लगता है ये सब बिना मैथ्स के होगा? बिना मैथ्स के सब होगा? कल जाके अपन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख रहे, फाइनल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सीखने वाले, समझ में आ रहा है कि आपको ये राइट? एडवांस कैपिटल बजटिंग सीखेंगे, आप बताओ बिना मैथ्स के होगा ये सब? बिना नंबर्स के, बिना कैलकुलेशंस के, बिना मैथमेटिकल ट्रिक के, बिना स्टैंडर्ड डिविएशन के, बिना वेरियंस के, बिना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के होगा ये सब कुछ? क्या लगता है आपको ये बिना मैथ्स के होगा ये सब कुछ? कल अपन बोल रहे कि नहीं नहीं मैं मैथ्स कुछ नहीं आता मुझे, बट मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानता हूं। कैसे? मैथ्स में आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही सुपर कुछ तो एकदम तुमने PhD करने की जरूरत है, बट बेसिक मैथ्स से तो आप कभी बाजू में डिवेट हो ही नहीं सकते बच्चों, वो तो जरूरी है। इनफैक्ट कल आपको CA छोड़ के भी कुछ करना है, कल MBA करना है, कुछ करना है, वहां पर भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, समझ रहा है क्या? तो कोई बोल रहा है कि भाई बिल्कुल मैथ्स मुझे करना ही नहीं है राइट, फिर एंड तो ये गलत है मेरे भाई। एंड कोई अपने को प्रॉब्लम है, अपना वीकनेस है कोई, तो उसको सामने से फेस करो और उसको स्ट्रेंथ बनाओ। मैं आपको टेलीग्राम पे कम से कम 500 में से दिखा सकता हूं कि सर मैथ्स बहुत टफ जाता था, बहुत प्रॉब्लम था, बट आपके लेक्चर देख लिए, ये कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता गया शुरुआत में और अभी तो बहुत ही ज्यादा मजा आने लग गया। एंड डेफिनेटली ये होगा अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो। कुछ तो नॉलेज अपने को लेना है, ये एंगल से पढ़ो, नॉलेज लेना है, करेक्ट है? अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना बच्चों तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा, सक्सेस ऑटोमेटिक आएगा, ओके? बट तुम बिल्कुल रोज ही उठ के मार्क्स 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 बोलोगे तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, फिर तुम नॉलेज ले ही नहीं पाओगे,
करेक्ट है। तो रोज उठ के ये नहीं सोचना है कि मुझे वो पास होना है, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे आपने को सोचना है आज कल आप ये सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसेस, उसके अंदर से आज क्या पढ़ा रहे हैं रेशियो, उसके अंदर क्या पढ़ा रहे इतना पर्टिकुलर पार्ट, बस चलो भाई वो समझते बस हो गए। कीप सम शॉर्ट टर्म टारगेट्स, 50 ओवर में अपने को अगर 350 रन निकालना है तो हर ओवर में 350 रन के बारे में नहीं सोच सकते ना भाई, क्या सोचना है अपने को। चलो भाई एक काम करते, अगले 5 ओवर में 30 रन आ गए विदाउट विकेट तो भी बहुत है, लास्ट में मारेंगे अपन, यही सोचेंगे ना कोई भी, यस और नो। अच्छा समझो 350 टारगेटिंग, अभी ओपनर बैट्समैन उतर गए, अब क्या सोचते हर ओवर में 20 रन मारेंगे, 1000 रन चाहिए अपने को, समझ रहा है कि नहीं, क्या चाहिए, क्या चाहिए रहता है, क्या करना रहता है ओपनर बैट्समैन ने क्या सोचना चाहिए। हाँ चलो रोहित शर्मा शुभमन गिल आ गए 350 चेसिंग है, हाँ क्या सोचना चाहिए, चलो भाई पहले 10 ओवर में 60-65 रन विदाउट विकेट रहना तो भी सामने वाला टेंशन में रहेगा, कितने रन 60-65 रन 10 ओवर में, जो इनके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है ये लोगों के लिए, ये दोनों बैट्समैन के लिए करेक्ट, विदाउट विकेट अगर है तो, बट 10 ओवर में 100 रन भी निकालेंगे अगर 3 विकेट रहेंगे ना तो सामने वाला टीम डोमिनेटिंग पोजिशन में रहेगा, समझ रहा है क्या। तो क्या इंपॉर्टेंट है, विकेट इंपॉर्टेंट था अपने हाथ में रखना, यस और नो। तो अपन भी रोज उठ के 12 घंटे जो पढ़ता है ना बच्चों, वो अगले 3 दिन कुछ भी नहीं पढ़ता, तो एवरेज कहां आ गया तुम्हारा, बराबर है कि नहीं। फिर एक दिन कुछ तो 8-10 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद में 15 दिन कुछ भी पढ़े ही नहीं, ये कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, समझता है क्या। अपना एक रूटीन बना लो, राइट, हम क्लास करते सर, सारे लेक्चर्स कर लेते, बराबर है, उसके बाद में राइट 2 घंटे पढ़ लेते। अगर आपका आप में से कोई रहेगा, मैं डे 1 को बता दूं, देखो अगर आप में से कोई क्रिकेट खेलता है, कोई डांस करता रहेगा, कोई कोई म्यूजिक का कोई सिंगर रहेगा, कोई गिटार बजाता रहेगा, कोई और कुछ इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा रहेगा, कोई कथक भरतनाट्यम कोई कुछ करता रहेगा, समझ रहा है कि आपको, और कोई चेस खेलता रहेगा, कोई कोई फुटबॉल में रहेगा, कोई हॉकी खेलता रहेगा, और कुछ रहेगा, किसी को जिम का बहुत ये रहेगा, जो भी कुछ है सब कंटिन्यू करो, समझ रहा है क्या, कुछ भी छोड़ो मत। अगर आप छोड़ रहे हो ना, यू विल रिग्रेट माय फ्रेंड्स, एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा उस बात का, समझ रहा है क्या। जो भी कुछ है कंटिन्यू करो, ये मतलब पूरी जिंदगी नहीं है, एक जिंदगी का एक पार्ट है, समझ रहा है क्या आपको, बट ये पार्ट मैं अब जिंदगी का एक पार्ट है बोल के इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, बट सी ईमानदारी से कंसिस्टेंसी से ये करेंगे तो अपने पास और भी बहुत टाइम बचता है मेरे भाई। प्रॉब्लम क्या है अपना, अपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ भी नहीं करते, क्या करते अपन कुछ भी नहीं करते। अच्छा गए यहां से 5 बजे घर पे बैठा है या हॉस्टल पे जाके बैठा है, अब 7:45 हो गए, 3 घंटे गए ना, क्या किया 3 घंटे में, पढ़ा क्या भाई, अच्छा फिर कुछ खेला वगैरह क्रिकेट जाके, कुछ हॉबीज क्योंकि कुछ म्यूजिक वगैरह, कुछ गाने वाने बजाए, कुछ अच्छा सो गया रहेगा, फिर सो गया वो भी इन्वेस्टमेंट है, सो जाना ऑब्वियसली ना यार, अच्छा सो गया रहेगा फिर, अच्छा सोया था समझा था क्या, तो क्या कर रहे है? वापस समझ रहे कि नहीं, कुछ भी नहीं कर, ये प्रॉब्लम है, समझ रहे क्या। उससे अच्छा गिटार बजाते भाई, दिमाग भी अच्छा रहता है कि नहीं, खुश भी रहते खुद, करेक्ट और नॉट। उसे अच्छा कुछ, एंड उसके बाद में 8 बजे क्या बोलेगा, सीए की वजह से मुझे सब छोड़ना पड़ा, क्या छोड़ा भाई तूने, तूने छोड़ा क्या एग्जैक्टली, कुछ कर ही नहीं रहा है ना वो, है कि नहीं। अरे पागल हो गए कुछ लोग तो, वो एक मैं हर एक दो चार मैं हर इनको तो याद हो गया रहेगा वो सुन सुन के, एक वो एक लड़की की बड़ी बहन आई थी एक बार, और वो छोटी बहन से ये करती थी, और उसने आके बताया कि मेरी छोटी बहन पूरा वो उसको कुछ वो रिहैब सेंटर में डाला है, अभी रिहैब सेंटर समझते हो ना, जहाँ रिहैब सोशल मीडिया से बाहर आने के लिए, पहले वो लोग दारू से बाहर आने के लिए वगैरह रहते ना, पहले रिहैब सेंटर से रहते थे, सुना रहेगा ना आपने, अभी वो सोशल मीडिया के रिहैब सेंटर से आ गए,
उसमें सेल्स रहेंगे, इंस्टाग्राम एडिक्ट, स्नैपचैट एडिक्ट, है कि नहीं? अभी हंसी आ रही कि नहीं अपने को? ये उसने मेरे को वीडियो दिखाया उसके, वो छोटी बहन के, शाम को 4-5 बजे तक बैठी है इंस्टाग्राम पे। एंड कब तक इंस्टाग्राम पे? दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह 5:30 बजे, समझ रहे क्या? एंड बीच बीच में उसको, अगर उसको ऐसा मोबाइल लिया ना, किसी ने छीन लिया ना, तो उसको ऐसा फिट्स आ रहे, मतलब एंग्जाइटी, समझ रहे कि? ऐसे पागल की तरह कर रही हो अभी 12-12, 14-14 घंटे रोज, 2 महीने से 3 महीने से। इमेजिन करो, दिमाग भी कुछ तो यार मतलब असर होगा, जाए हो जाएगा ना उस पर। अगर अपन एक चीज के इंस्टाग्राम, वो भी इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूस रील देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं क्या? हर एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट उसका, समझ रहे कि नहीं? कंटिन्यूस रील देख रहे हैं 12-12, 14-14 घंटे, है कि नहीं? पागल हो जाएगा ना इंसान, है कि नहीं? तो तुम्हारे साथ, कुछ लोगों के साथ तो यही हो रहा है। अपन पढ़ रहे क्या भाई? नहीं। अपन चलो इंजॉय कर रहे क्या? नहीं। अपन कुछ खेल रहे क्या? नहीं। अपन कुछ डांस म्यूजिक कोई हॉबी प्रिजर्व कर रहे क्या? नहीं। अपन कर क्या रहे फिर? एंड बाद में बोलने का उसी इंस्टाग्राम पे, है कि नहीं? लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, है कि नहीं? सब कुछ छोड़ दिया मैंने, उसके बाद में सीए ने भी मुझे छोड़ दिया। कुछ तो एक रील में पीछे गाना लगाने का दुखी कुछ, बराबर है कि नहीं? सब मैंने सीए के लिए सब कुछ छोड़ दिया और सीए ने मुझे छोड़ दिया, बराबर है कि नहीं? ऐसा कुछ इमोशनल गाना वाना लगा देने का पीछे, वो भी एक रील, उसकी देखते बैठने का कितने लाइक आ गए, क्या आ गए, वापस वही काम नया। मेरे भाई पहले इससे दूर बाहर आ जाओ, समझ रहा है क्या? पहले ये सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, अपना एक टाइम फिक्स करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल छोड़ ही दो, कुछ टाइम फिक्स करो कि भाई ये मेरा टाइम है, इतने टाइम में देखूंगा, बाद में मोबाइल बाजू में, अपन अपना अपना पढ़ाई करते, अपने अपने काम में रहते। पढ़ाई करते वक्त बिल्कुल कुछ लोग मोबाइल बाजू में रखते हैं यार, पढ़ाई बाजू में हर नोटिफिकेशन देख रहा है, पढ़ रहा है, क्या फ़ायदा हुआ मेरे भाई? समझाया नहीं? अच्छा क्या पर्पज के साथ तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मोबाइल दिए? आई एम श्योर आपके माँ बाप को वो बोला कि भाई सादा मोबाइल ला के दो, तो तुमने बोला रहेगा कि नहीं लेक्चर करना पड़ता है हमको, ये देखना पड़ता है, ये ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, अच्छा मोबाइल चाहिए, है कि नहीं? तो चीट मत करो यार, नॉर्मल अपना कुछ रहा तो भी अपना काम हो सकता है। इनफैक्ट अपने को कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस काम करना नहीं है उस पर, सीधा सीधा अपना पढ़ाई करना है यहाँ पे, है या नहीं? तो अननेसरी माँ बाप को चीट मत करो मेरे भाई, समझ रहा है क्या? कुछ अब मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको पढ़ाई, कुछ 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 लोग तो भाई आके अपने वो माँ बाप बता देना कि बच्चों के अपने किससे, तो ऐसा डर लगता है, मालूम है क्या? मैं लिटरल सेंस में बोल रहा हूँ, डर लगता है सुन के कि कैसा होगा करके, मतलब क्या हद तक झूठ बोल सकते हैं अपने माँ बाप को। मेरे भाई ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बैठे यहाँ पे, अच्छा एसी एयर कंडीशन में अपन बैठे, प्रोजेक्टर स्क्रीन है, सब कुछ है, इतना अच्छा माहौल है, ये सारे चीज के स्पॉन्सर्स कौन है भाई? कौन है स्पॉन्सर इसके? मैं हूं, कौन है फिर? तुम्हारे माँ बाप है, ये एसी का बिल भी वही भर रहे हैं इनडायरेक्टली, है नहीं? तो आप बताओ तुम्हारे ये पूरे चीज का स्पॉन्सर्स तुम्हारे माँ बाप है, स्पॉन्सर्स के साथ दगाबाजी तो नहीं कर सकते ना यार, करेक्ट और नॉट? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट होना चाहिए बताओ, किसका होना चाहिए? आईपीएल का स्पॉन्सर टाटा है तो वो इंश्योर करता है कि हर जगह पे टाटा नाम आए, करता है कि नहीं बताओ? बताओ भाई, जो भी कुछ है मेरा नाम पहले चाहिए, क्योंकि मैं ये शो चला रहा हूं, सब कुछ पैसा मेरा लगा हुआ है या नहीं है? तो आप बताओ किसका पैसा लगा इधर, कौन इन्वेस्टमेंट किया है? तुम्हारे पेरेंट्स, पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई बिलीव इज, देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, बट व्हाट आई बिलीव इज कि सीए करने वाला बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते, व्हाट आई बिलीव इज। आप में से ऐसे कुछ है जो बोल रहे कि नहीं सर मेरे पापा के पास 8,000 करोड़ है? हाँ ऐसा रहा तो पहले बताओ मेरे भाई, मैं छोड़ देता हूं पढ़ाने, तुम्हारे घर पर काम करने आता हूं। तुम घर पर आके पढ़ाता हो ना यार, उसमें क्या है क्या ऐसे कुछ? वो बोल रहे सर पापा का 8,000 करोड़ है, अब वो 8,000 करोड़ के 80,000 करोड़ करने के लिए मुझे सीए बनना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम एक काम करो 200-300 सीए रख लो काम पे, समझ रहे कि नहीं? तुमको बनने की जरूरत नहीं है कुछ, तुम्हें तुमने एक अच्छा इंडिया के बाहर जाओ कहीं से तो बीकॉम करके आओ, समझ रहे क्या? वो भी एकदम मजे करके आओ, तुम मैनेज कर सकते हो, मे बी सीए बन के भी फायदा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट समझ रहे क्या? क्या बैकग्राउंड के हम लोग, ईमानदारी से बताओ,
ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सीए करने वाले बच्चे मेजॉरिटी में क्या होते, टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जिसके घर पे टीवी कौन सा लेना है उसका डिस्कशन 10 दिन चलता है, बराबर है कि नहीं? जूते लेना है नहीं लेना है 3 दिन इस बात होती है पहले, बराबर है कि नहीं? टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कहां पे क्या करना है इसका पहले डिस्कशन करते हैं, ये करते हैं, बराबर है कि नहीं? घर पे नया कंप्यूटर भी लाया तो पहले अपन उसकी पूजा करते हैं, बराबर है कि नहीं? वी आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड इटसेल्फ। तो अपन माँ बाप को चीट नहीं कर सकते मेरे भाई, समझ रहा है क्या? अपने पास वो मॉरल राइट ही नहीं है कि अपन माँ बाप को चीट करें, समझ रहा है? ये बैकग्राउंड से आने वाले पेरेंट्स रहेंगे, उनकी उनमें कुछ प्लस माइनस कुछ खामियां रहेगी कुछ रहेगी, बट तुम्हारे लिए उन्होंने आई एम श्योर अपने लेवल से बेस्ट किया है, उनका जो भी लेवल है, किसी का कम किसी का ज्यादा रहेगा, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो तुम्हारे लिए किया है उन्होंने, करेक्ट और नॉट? तो तुम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते मेरे भाई, ना नहीं आप बोल रहे ऐसा तो क्या धोखा करे, नहीं पढ़ना, ये करना वो करना, नौटंकी करना ये करना, ये शुरुआत रहती है एंड धीरे 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 वो आदत बढ़ती है, समझ आया क्या? तो जो रास्ते में अपने को जाना नहीं है ना बच्चों, उसकी शुरुआत में भी नहीं जाने का, क्योंकि शुरुआत में गए ना तो फिर वो रास्ता अपने को आगे आगे लेके जाता है, समझ आया क्या? यस और नो? कोई मुझे याद है बचपन में एक बार वो गांव में ऐसे पान टपरी रहती ना, जहां पे लोग तंबाकू मोको खाते, पान खाते, ये खाते वो खाते, कुछ पान खाना कोई खराब नहीं है बहुत ऐसे, समझ रहे क्या? मैं ऐसे जैसे जा रहा था, मेरे पापा थे और मैं ऐसे देखा उधर, ओके पहले दिन तो बोला नहीं, पापा ने बोला कि भाई वो खराब रहता है, ऐसा वैसा रहता है, अपन ने वहां पे जाना नहीं रहता है। दूसरे दिन मैं वापस देखा उधर, और क्योंकि वो लोग इंटरेस्टिंग लोग रहते उधर है कि नहीं, गाने वाने जोरदार चलते रहते हैं, समझ रहे कि नहीं उधर? तो मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई ये लोग, मत समझ रहे क्या, वो कैटेगरी रहती ना ऐसे, ये कान के नीचे बजाया पापा ने, बोला तीसरे दिन उधर आके गए ना तो देखते रहे। अब वैसे देखा जाए तो मॉरल भाषण देना है तो गलत ही है ना, वो बच्चे को क्यों मारा यार इतने के लिए, बट वो क्या बोलना चाहते थे उससे भाई? जहां पे अपने को जाना नहीं है ना, वो अननेसरी अच्छा है या खराब है या क्या है थोड़ा करके देखता हूं, इसमें भी नहीं जाने का, उसके रास्ते में ही नहीं जाने का, है कि नहीं? अब तुम लोगों को क्या रहता है, नहीं 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 सर ये सीए में अपने को दिन रात पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, बट धीरे 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 क्या हो जाता है, मेन चीज रह गई बाजू में, है कि नहीं? अपने दिमाग में क्लियर चाहिए कि अपने को बस अपन यहां पे पढ़ने आए, वो छोड़ के अपने को कोई करने का हक ही नहीं है, अपने दिमाग में रखने का, थोड़ा बहुत कुछ अगर इधर उधर होता है बाद में देखा जाएगा, समझ रहे कि नहीं? डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है अपने को, अपने मेन एम पे फोकस रहना पड़ेगा अपने को, तो होगा। अब डे नंबर वन को मैं टीचर जनरली यही बोलता है, लोग हाँ हाँ बोलते हैं, करना है वही करते हैं, बट उसमें से कुछ लोग जो सुनते हैं ना बच्चों, वह ऐसा करियर करते कि बस, समझ रहा है क्या? ऐसा करियर करते कि बस, एक पेशेंसफुली अगर आप करेंगे ये करेंगे तो यू विल हैव द रिजल्ट्स लाइक एनीथिंग माय फ्रेंड्स, समझ रहा है क्या? आपको आपका एक फ्यूचर होना चाहिए कि तुम में से कोई कल जाके एक 10 साल के बाद 8 साल के बाद अगर मैं आपको फोन कर रहा हूं और बोल रहा हूं तो तुमने बोलना चाहिए हाँ सर मैं अभी सिंगापुर में हूं, ये कंपनी का सीएफओ हूं, हाँ सर मेरा एक स्टार्टअप है मैं राइट ये यहां पे मेरा स्टार्टअप है उसका टर्नओवर अभी 12 करोड़ है या 15 करोड़ है, कोई बोलना चाहिए तुम्हें से सर ये मैं ईवाई में पार्टनर हूं, मैं डेलॉइट्स में पार्टनर हूं, हाँ सर मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा हूं इक्विटी रिसर्च में काम कर रहा हूं, हाँ सर मैं इधर लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हूं, सर मैं यहां पे हूं, ये फ्यूचर चाहिए, समझ रहे क्या? अदरवाइज हाँ सर मैं इधर कच्ची दाबली की गाड़ी पे काम कर रहा हूं, है कि नहीं? मैं इधर ये बस ये बैटरी के दुकान पे काम कर रहा हूं, है कि नहीं? मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ये है सर। देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट तुम्हारे पास मौका है कि नहीं बड़ा बनने का बताओ? अच्छा काम करने का तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो बात अलग है, तुमको चांस ही नहीं मिला अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली बात अलग है, तुमको मिल रही है नहीं मिल रही बताओ मुझे? तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कैपिटलाइज इट, अच्छे से करो मेरे भाई, है कि नहीं? उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा कुछ रहेगा तुम्हारा, बहुत स्ट्रांग फ्यूचर रहेगा तुम्हारा। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? आपके कुछ बैच के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड कुछ डाउट्स है क्या? तो मैंने आपको मैथ्स के नोट्स की हद तक सब क्लैरिटी दी है, मैथ्स का नोट्स का कितने बुक्स आए टोटल? 5 बुक्स में से हार्ड कॉपी कितना मिलेगा? 3 बुक्स का हार्ड कॉपी मिलेगा। कौन सा कौन सा है वो? रेगुलर वॉल्यूम 1, रेगुलर वॉल्यूम 2 एंड रिवीजन का हार्ड कॉपी मिलेगा। DD1 एंड DD2 का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। समझ रहे बच्चों ये? तो ये तीनों का हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये चैप्टर 1 के किसी के पास नोट्स नहीं है तो चैप्टर 1 के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे एंड ऑब्वियसली और जो भी है टेलीग्राम चैनल पे वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। चलेगा बच्चों?
यस, तो आपको नो डाउट अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे अगर कोई बैच के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे उस पे आ जाएंगे। टेलीग्राम आपके नोट्स मोबाइल पे रहेगा ना, टेलीग्राम बोल के एक ऐप है, अगर नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता दूं, नहीं है तो डाउनलोड करके ले लो, टेलीग्राम करके एक ऐप आता है, जैसे अपना व्हाट्सअप होता है वैसे टेलीग्राम एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लो, एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम के, ताकि ये बैच के अपडेट्स आपको उधर मिलते रहेंगे। ओके, नोट्स के रिलेटेड सब कुछ क्लियर है, फिर मैंने बता दिया आपका ये क्लास, ये टाइम टेबल वगैरह सब और लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा क्या रहेगा क्या। ओके, ये अपन कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं बैच, सितंबर 24 में एग्जाम नहीं हुआ तो जो भी होगा फिर जनवरी में होने का चांस है। ओके, तो जनवरी में होगा, सितंबर में होगा, 99% सितंबर में होगा, तो सितंबर एग्जाम के एंगल से ही हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, इवन दो इंस्टीट्यूट हैज नॉट ऑफिशियली अनाउंस टिल कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, आप समझ रहे हो क्या, बट उन्होंने ये जरूर बोला है कि हम साल भर में अभी तीन बार लेने वाले, कौन से तीन है वो, मई सितंबर जनवरी, बराबर है ना, मई में तो एग्जाम देने का कोई चांस नहीं है, या अगले महीने देना है, नहीं देना है ना, हो सकता है कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया रहेगा तो एग्जाम फॉर्म भर के अगर पहले रजिस्ट्रेशन किया रहेगा तो वो पॉसिबल भी रहेगा, बट हमारा बैच उसमें टारगेटिंग नहीं है, अभी हम ऑलरेडी 10th अप्रैल में है, और एंड अगर कोई पास भी हो जाता है, कोई बोला नहीं सर मैं पहले कुछ तो किया था, ये वो भी डेंजरस है मेरे भाई, आप पूरा का पूरा तैयारी करके सीए इंटर में जाना इज ऑलवेज बेटर, पूरी अच्छे से तैयारी करके सीए इंटर में, अगर कोई बड़ा काम करना है अपने को तो अपन एक वीकनेस के साथ नहीं जा सकते ना बॉस, एक वीकनेस के साथ आगे गए तो क्या होता है, सामने वाले को वो वीकनेस पता चल गया तो फिर खत्म ना यार। अच्छा समझो तुम क्रिकेट, तुम्हारा नंबर लग भी गया समझो आईपीएल में या कहीं पे, बट तुमको समझो तुमको लेटेस्ट से बाउंसर डिलीवरी को खेलने ही नहीं आता तुमको, समझा क्या, बाकी आपके पास शॉट्स बहुत है, समझ रहे क्या, बट आपको बाउंसर खेलने नहीं आता है, आप बताओ 2, 4, 5, 10 मैचेस तक चले गए चलेंगे आप, बट बाद में क्या होगा, अरे बाद में जो बॉलर है उनका भी कोच रहता है, वो उनके स्टैटिस्टिशियन जो है उनको बता दे कि भाई इसको बॉलर इसका जब भी बाउंसर आता है इसका स्ट्राइक रेट 10 पे ड्रॉप हो जाता है, अदरवाइज तो ये 150 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, अब बताओ आप आते ही बाउंसर मारेंगे वो लोग, 7-8 बाउंसर में परेशान हो जाओगे तुम, दोगे विकेट फिर, तो वीकनेस के साथ में वहां पे चांस मिल भी गया तो प्रॉब्लम है ना भाई, तो तुम अगर फाउंडेशन वीक रखोगे और आगे जाओगे ना तो आगे प्रॉब्लम आएगा कहीं, तो समझ में आ रहा है क्या, एंड वहां पे प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे ऐसी खतरनाक एग्जिट होगी आपकी ये फील्ड से कि फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, उससे अच्छा बेसिक स्ट्रांग करके आगे जाओ, तो ये सीए फाउंडेशन कोर्स का नाम ही फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन स्ट्रांग करके हम आगे जाएंगे यहां पे, यहां पे मैं क्लास में मैथ्स में ना कि सिर्फ आपका सिलेबस में क्या क्या है, क्या हो सकता है, आईसीआई किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सब एंगल से हम यहां पे पढ़ाएंगे आपको, राइट, पूरा आपको एग्जाम रेडी कर देंगे बच्चों इन दीज 4-5 months जो भी कुछ है, अप्रॉक्सीमेटली ये मैथ्स का ड्यूरेशन होता है अराउंड 175 hours to 200 hours रेगुलर, एंड उसके बाद में 60 hours revision, तो आप समझ सकते हो हम साथ में कितना टाइम स्पेंड करने वाले, आप समझ रहे हो क्या, तो आप बिल्कुल जैसे मैंने वो वेब सीरीज वाला एग्जांपल दिया था, कल अब मैं यहां पे पढ़ाना चालू करूंगा, तुम में से कुछ लोग बोलेंगे या ओपिनियन पे आएंगे, नहीं सर कुछ नहीं समझ रहा है, कमेंट करना चालू कर देंगे ऐसा वैसा, तो ये ऐसा मत किया करो मेरे भाई, समझ रहे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बता दू, राइट, आप ध्यान, मैं क्या बोला था आपको, आपने एक एपिसोड देखा नहीं समझा, आप पेशेंसफुली ध्यान दिए, सब समझा कि नहीं, या उधर ही कमेंट करते बैठे आप, नहीं समझ रहा है पागल है ये लोग ये वो करते बैठे क्या, नहीं समझ रहा है क्या, तो आप बिल्कुल अननेसेसरी कमेंट में इसमें उसकी आपकी एनर्जी मत लगाओ, जो चीज आपने को वैसे भी 15 मिनट के बाद समझने ही वाली है उसके लिए अगर अपन अभी परेशान हो गए एंड छोड़ दिए तो 15 मिनट के बाद समझने वाला था उसका क्या हुआ भाई, आप थोड़ा वेट करते तो समझ में आ जाता ना, ये जैसे मैंने क्या बोला था आपको, आप एक्टर हो तो डायरेक्टर कौन है, तुम्हारा टीचर डायरेक्टर है, डायरेक्टर को फ्लो अच्छे से पता है या एक्टर को पता है, ईमानदारी से बताओ, डायरेक्टर को बहुत अच्छे से पता है, समझ रहा है कि आपको ये, इनफैक्ट आपने अगर कोई मूवी का शूटिंग वगैरह या कोई आप मूवी मेकिंग देखा रहेगा तो डायरेक्टर के पास सिर्फ लिखा रहता है कि भाई कौन से सीन में क्या है एग्जैक्टली, कौन सा क्या है एग्जैक्टली, एक्टर तो सिर्फ उस दिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, कई सारे एक्टर लोगों को तो स्टोरी ठीक से मालूम भी नहीं रहता है क्योंकि जो सिक्वेंस में अपन मूवी देखते हैं वो सिक्वेंस में शूट हुआ नहीं रहता है ना, उधर एक लोकेशन पे गए तो वो लोकेशन के सारे सीन कंप्लीट कर रहते हो, फिर वो मूवी के कुछ शुरुआत में है, कुछ बीच में है, कुछ एंड में है, करेक्ट और नॉट, तो एंड का भी सीन उनको तो शॉट तभी करना है ना, शूटिंग तो कंप्लीट करना है कि नहीं वहां पे, तो आप बताओ किसको एग्जैक्टली पता है सब कुछ, डायरेक्टर को पता ही, आपने 3 Idiots देखा है क्या, 3 Idiots देखा रहेगा ना, तो मैं 3 Idiots का उसका डायरेक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोला कि द फर्स्ट सीन वी हैव शूट वॉज इन लद्दाख,
पहला सीन हमने क्या क्या शूट किया था, एंड लद्दाख में क्या शूट किया था उन्होंने, वो लास्ट वाला जहां पे वो करीना कपूर आती है स्कूटर पे, ये आमिर खान रहता है, देखा है ना आपने, हो राइट, फिर ये दो लोग झापड़ मारते उसको, बोलते कहां था इतने साल, बराबर है कि नहीं, एंड फिर वो दोस्त मिलते हैं इतने सालों के बाद। आप सोचो वो लोग अच्छे से स्टोरी जानते हैं या डायरेक्टर अच्छे से जानता है, तो डायरेक्टर ने उनको बताया रहेगा कि भाई तुम ऐसे करोगे ये करोगे, वो बोलते रहेंगे कि बट क्या हम एक दूसरे को क्यों मिल रहे, इतना इमोशनल क्यों हो रहे, अभी तक शूट हुआ है क्या, वो कॉलेज वाला पीछे वगैरह सब नहीं हुआ, वो तो बाद में होने वाला है, तो बताओ किसको पूरा पिक्चर पता है, एक्टर को क्या पता है। बोला डायरेक्टर ने कि तूने रोने का अभी 10 साल के बाद दोस्त मिल रहे ऐसे इमोशन आना चाहिए, यस सर, बेटर यही है कि नहीं। तो आप बताओ तुमने क्लास में सर आगे हमको समझेगा कि नहीं, क्या होने वाला है सर हमारे साथ, कैसे होगा क्या होगा, मैं हूं ना भाई यहां पे, हम अच्छा ये पहली बार काम कर रहे हम लोग कि जिंदगी में पहली बार ट्रायल एंड एरर चल रहा है कि तुम पे कुछ कि भाई आज खाना बनाना सीखा है तुम पे ट्राई कर रहा है, ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं आपको क्या बोला, पहला सेंटेंस क्या बोला मैं, तुम पैदा होने के 2-3 साल पहले से मैं पढ़ा रहा हूं भाई, तुम 2006 में पैदा हुए ना, मैं 2004 में सीए फाइनल को पढ़ाता था, समझ रहे क्या, मेरा फेसबुक पे जाके देखो विनोद रेड्डी 1 करके अकाउंट दिखेगा, उसमें आपको 2005 का फोटो दिखेगा कि मैं 700 लोगों को पढ़ा रहा हूं एट अ टाइम, आप समझ रहे हो क्या। तो मैं तब से अभी तक और अभी तक इस फील्ड में हूं, अभी तक हम हैं यहां पे, इसका मतलब कुछ तो अच्छा ही पढ़ा रहे ना, कुछ अच्छा ही कर रहे, आप समझ रहे हो क्या। तो वो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, वो नहीं है तो फिर अननेसेसरी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में प्रीडोमिनेंटली मेनली बताया कि आपको एक शेड्यूल आपका बनाना है, 2 आवर्स एवरी डे आपको पढ़ना ही है, 2 आवर्स ऑन एवरी डे ऑल सब्जेक्ट पुट टुगेदर, क्यों ना हो, जितना भी पहले पहले तो लगेगा आपको कि सब 2 घंटे के 15-20 मिनट में तो सब आज का पढ़ाया हुआ सब कुछ हो जाता है, क्या पढ़ने का, तो भी पढ़ने का 2 घंटे आदत रखने का हो, 2 आवर्स वाली, समझाया नहीं, 2 आवर्स वाली आप मुझे प्रॉमिस करो आज, टच योर हार्ट एंड टेल कि सर हम 2 घंटे पढ़ने वाले, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप फेल हो ही नहीं सकते, आप फेल हो ही नहीं सकते। एंड बाई चांस तुम्हें से कोई फेल होता है आगे जाके तो तुम मुझे बताओ कि सर आपने इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे वो हमने फॉलो किए फिर भी हम फेल हो गए, ये इम्पॉसिबल है, आज तक तो कोई बंदा मिला नहीं है ऐसा, समझ रहे क्या। बट बीच में तुम अपना दिमाग चालू करते हो, नहीं नहीं टीचर तो बोलता ही रहता है, उनका तो काम ही रहता है बोलना, माँ बाप का तो काम ही रहता है बोलना, अपना तो काम ही रहता है नहीं सुनना, समझ रहे कि नहीं। तो फिर बी प्रिपेयर फॉर सम अदर रिजल्ट्स, है कि नहीं, कोई आपका हॉबी है कुछ है छोड़ो मत, उसको कंटिन्यू करो, बट मैंने इंस्ट्रक्शन के साथ साथ में, अपन क्या करते हैं आज की डेट में वो पार्शियल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, बराबर सर ने बोला है कि ये मत छोड़ो, हाँ वो नहीं छोड़ेंगे ये करेंगे, बट सर ने ये भी बोला है 10 बार कि 2 घंटे पढ़ाई करो, है कि नहीं, वो भी तो सुनना पड़ेगा ना अपने को। ओके चलो फिर ये हो गया, उसके बाद में मैंने क्लियरली बताया आपको, आप रीजनल मीडियम में पढ़े हो नॉट अ प्रॉब्लम, आपका मैथ्स नहीं था नॉट अ प्रॉब्लम, बुक्स मैंने बताया आपको पहले एक अराउंड 5-10 लेक्चर जो भी कुछ है वो यूट्यूब पे रहेंगे, बाद में ये ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे फेस टू फेस वालों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे रोज आओगे आप लोग यहाँ पे, बराबर है ना बच्चों, यस। और कुछ आपका कोई इशू कुछ भी रहा, कुछ कंसर्न रहा तो आप बताओ मुझे, यस कोई कंसर्न एनीथिंग, टेस्ट अराउंड एक हर सब्जेक्ट का टीचर आपको बताएगा, बट एक अराउंड 8-10 टेस्ट यहां पे होंगे जो आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगा, फेस टू फेस वाले बच्चों को यहां पे हार्ड कॉपी मिलता है, फिर आपका ओएमआर शीट मिलता है आपको, आपने लिखना रहता है, पेपर आपको चेक करके मिल जाता है, ओके उसमें आपको कितने मार्क्स आए, क्लास में टॉप कौन आया, ये भी सब आपको पता चल जाता है, समझ रहा है। एक अराउंड 10 टेस्ट तो कम से कम हो जाएंगे मैथ्स के यहां पे, आप समझ रहे हो क्या। कब होंगे वो ऑब्वियसली हर चैप्टर के, कब एग्जैक्टली हर चैप्टर के बाद में एक टेस्ट होगा ऐसे नहीं है, कुछ मैंने क्या किया है कुछ एक पहला चैप्टर के बाद में, फिर थर्ड चैप्टर के बाद 1, 2, 3 पे, समझ रहा है क्या, फिर या तो ओनली 4th चैप्टर का है, ऐसे अराउंड 10 टेस्ट रखे हुए तो वो 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे बच्चों, समझ रहा है। जो लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं उनको जब आप एडमिशन लोगे तो ऑब्वियसली आपको एक ऐप का एक्सेस दिया जाता है, उसमें वो टेस्ट अपलोड हो जाता है और वहीं पे आपको सॉल्व करके आप वहां पे ऑनलाइन भी कंप्लीट कर सकते हो और आपको रिजल्ट भी आ जाता है वहीं पे, ओके आप समझ रहे हो बच्चों, रिजल्ट विद एवरीथिंग विद कंपैरिजन करेक्ट आंसर क्या थे सबके साथ आपका रिजल्ट भी वहां पे मिल जाता है आपको, यस। तो टेस्ट के रिलेटेड क्लैरिटी है और कुछ बताओ, सब कुछ इंक्लूडेड बेटा, ये एग्जैक्टली मैं बताया था आपको कि हम लोग यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे तो हम कुछ सोच के कर रहे, समझ रहा है कि आपको ये आप रोज उठ के, क्योंकि
आपको अभी मैं आपको बोलूं कि भाई कुछ आईसीआई के स्टडी मटेरियल में बहुत सारे मिस्टेक्स रहते हैं तो तुम बोलोगे ऐसे कैसे होता है क्या होता है, आप मुझे बताओ मैं आपके साथ में हूं या खिलाफ हूं? साथ में हो तो तुम वो हमेशा वो स्टूडेंट वर्सेस टीचर ये मोड में मत रहा करो भाई, हम तुम्हारे साथ में हैं, मैं तुम्हारे टीम में हूं, अपोजिट टीम का कैप्टन नहीं हूं। आप समझ रहे हो या नहीं? मुझे तुम्हारा अच्छा चाहिए खराब चाहिए? अच्छा बात खत्म। समझ रहे हैं नहीं? मैं ऐसा एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं कि जो आपको फायदा कर सकती है बट मैंने नहीं लिया, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मैं सब कुछ ये यहां पे कंप्लीट करूंगा बट एट द सेम टाइम क्या होता है, कई सारे चीजें जो होती है ना यहां पे आपको लगेगा नहीं सर वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो वहां पे गलत है, एग्जाम में क्या आता है वो भी तो आपको रहता है ना मेरे भाई, समझ रहे? अच्छा आपने ट्वेल्थ में वगैरह देखा रहेगा कि कुछ कुछ जगह पे नॉनसेंस अननेसेसरी 15-15 पेज लिखे रहते हैं वहां पे एग्जाम में, उसमें से कुछ भी आता नहीं ना कोई काम का है, करेक्ट और नॉट? अब तुम बोलोगे नहीं सर उसका हर वर्ड हमको पढ़ना है ये करना है, तो आप समझ रहे हो क्या, तो वो गलत हो रहा है ना। फिर हम लोग यहां पे मैं जब से आपको पता है कि आईसीआई ने ये मैथ्स एमसीक्यू ये इंट्रोड्यूस कब किया है, कब किया है? उसके पहले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर था मैथ्स, कब इंट्रोड्यूस किया? 2006 में। कब? 2006 से हर बैच पढ़ाया मैंने, समझ रहे? जब से आईसीआई ये कोर्स जब से पैदा हुआ है ना तब से मैं पढ़ा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है कि आपको? ये आईसीआई ने ये कोर्स कब पैदा किया था? 2006 में सीपीटी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फ्रॉम तब से, उसके पहले से 2004 से पढ़ाता हूं मैं, समझ रहा है क्या? तब मैं वो बाकी सब पढ़ाता था, उसके बाद में 2006 से सीपीटी में मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी बट प्रॉब्लम यहां पे आपने सब करने का एंड फिर बोलने का कि सर ये आता है क्या वो आता है क्या, ये सब कुछ अपन पहले ही नहीं बोलने का सब कुछ, समझ रहा है क्या? अपन कुछ भी नहीं कर रहे बट सर ये करेंगे। कुछ कुछ लोग तो जब मैं वन डे मैराथन लेता हूं ना एक दिन का रिविजन, ओके चार दिन एग्जाम को बचे रहते तब यूट्यूब पे आके बोलते कि सर मैंने आज तक तो कुछ भी पढ़ा ही नहीं किया सर, आई वॉन्ट 85+ मार्क्स, वॉट टू डू? अब बताओ, देखो मैं टीचर हूं एट द सेम टाइम हम लोग यहां पे कोचिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मैं उसको उस वक्त बोल सकता कि नहीं बेटा तू ऐसा कर वैसा कर ये कर वो कर, बट मेरा रियल आंसर है तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। आप समझ रहे हो क्या? दो दिन परसों एग्जाम है एंड आज बोल रहा है अच्छा मुझे पास होना है कुछ भी करके, ये तो बोल रहा है कि कम से कम नहीं, क्या बोल रहा है? 85+ मार्क्स चाहिए उसको, क्या करूं सर वो भी यूट्यूब पे, समझ रहे क्या? प्रॉब्लम आपका समझा तो मैं सॉल्यूशन दे भी पाऊंगा ना उसका यार, एंड राइट टाइम पे प्रॉब्लम पता चलना इंपॉर्टेंट है ना, आप समझ रहे? एंड आप मेरी बात सुनोगे तो फिर वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे ना, आप कुछ भी नहीं करोगे एंड बोलोगे नहीं सर ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ कुछ लोग आते हैं ओके फेल होने के बाद में, ओके मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, और बोलते कि सर वो चार क्वेश्चन कुछ तो अजीब आते कब कभी, अभी इकोनॉमिक्स में आते कुछ कुछ चार क्वेश्चन ऐसे अजीब कहीं से तो आएंगे आपको जो आज तक किसी ने कभी देखे नहीं है। अच्छा तो तुमको कितने मार्क्स आना चाहिए? 96 आना चाहिए, है या नहीं? अच्छा चलो और 10 निकाल दो, 86 आना चाहिए। स्टूडेंट को मार्क्स आते 25, वो बोलता है सर वो चार क्वेश्चन टफ थे, करेक्ट और नॉट? अरे अपन क्रिकेट मैच करते हो खेलते वक्त भी अपने को मालूम है कि भाई सामने से 20 ओवर आने वाले, उसमें से अपन बुमराह को नहीं मार पाएंगे तो बुमराह के चार ओवर में बहुत ज्यादा हुआ तो 30 आएंगे, तो बचे हुए 16 ओवर में 170-180 रन आना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपनी, अपने को भी तो मालूम है ना क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, यस और नो? अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? फिर तो सीधी सी बात है अपने को चार क्वेश्चन टफ आते हैं और अपन बोलते कि सर मुझे 25 ही मार्क्स आए, चार क्वेश्चन कितने मार्क्स कम करेंगे? चार, करेक्ट और नॉट? यस प्लीज कम सर। सो प्लीज वेलकम अनंत सर, हर्षद सर एंड अंकिता मैम, ये पूरा होल फाउंडेशन टीम आपके सामने है। यस आपको ये बाबा की तरह जो दिख रहे हैं वो तो पता है कौन, ठीक है? तो आई विल हैंड ओवर द माइक टू हिम। यस सर, ए प्लीज बैठो ना, बहुत सीरियस लग रहे हो। राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? सुबह सुबह उठने में कठिनाई हुई? नहीं, आज पहले दिन तो नहीं होगी, पहला दिन नहीं होती है, गुड। एक बार चेक कर लेते कैसे सब ठीक हो कि नहीं है, चेक कर लेंगे एक बार, तुम बताओगे ठीक हो कि नहीं हो। हाउ इज द जोश? हम चारों भी बोलेंगे ना तो ज्यादा जोर से बोल देंगे। हे गाइस, हाउ इज द जोश?
All well? That's better. So, रसगुल्ले बच्चों, welcome to the journey of CA. हमें इस जर्नी ने, CA कोर्स ने, मुझे, रेड्डी सर को, डॉन को, हमारे हर्षद भाई को और लॉ क्वीन अंकिता मैम को, सबको इस जर्नी ने बहुत फुलफिलिंग और बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी दी है. आई एम अगेन श्योर दैट मेनी ऑफ आर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड सीएज आर आल्सो हैविंग अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी एंड दे आर एंजॉइंग अ लॉट. आई एम श्योर यू आर आल्सो गोना बी पार्ट ऑफ दैट. सो अभी तो शुरुआत है, सब चीज़ें धीरे धीरे आगे निकलेगी आपको, बट मेरा भरोसा मानिए, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो अभी तक आपने 12th तक की जर्नी की है उससे भारी जर्नी रहेगी, बहुत मज़ा आएगा. यू जस्ट बी रेडी टू गिव यू 100%, दैट्स इट. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई वी वोंट टेक यू मच ऑफ द टाइम बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट इंट्रोड्यूस टू यू ऑल. जस्ट से यू हाई. ओके, सो दैट्स द रीजन वी आर हियर. यस मैम, वेरी गुड मैम. आप लिखिए मैम, ये माइक. हेलो, माइक चेक. आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे उसकी. वेट ऑफ आनंद सर. विनोद. गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्या डरे हुए आप लोग कि एक्साइटेड हो? चेहरों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे. सो हाउ वाज डे वन मैथ्स क्लास? अभी मेरा लेक्चर है तो थोड़ा टेंशन में है, मैम के लेक्चर से. इनके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं अब बहुत कुछ हो गया है क्लास में. एंड चलो डरो मत आप लोग, जस्ट बी नॉर्मल एंड बिलीव मी, ये जो जर्नी है यू विल रियली चेरिश दिस जर्नी थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू विल एंजॉय इट. आपको आपको वैसे लग रहा है कि हम लोगों को देख के हम लोग इतने थके हुए हैं? हम लोगों की लाइफ बहुत सैड है. ये हर्षद को आप इंस्टा पे तो आपने हर्षद को देखा ही होगा, और इनफैक्ट मैंने तो सुना है बहुत सारे बच्चों के गोल्स है कि हमारी लाइफ भी हर्षद सर जैसी होनी चाहिए. उनके प्रोफाइल में क्या बोलते हैं, हाईलाइट्स ना? नहीं, इंस्टा के जो हाईलाइट्स है उसमें ये कंट्री, वो कंट्री, ये कंट्री, सारे बकेट लिस्ट कैसे टिक 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 है. तो बच्चे मुझे ऐसे आकर कहते मैम चाहे कुछ भी हो जाए, सीए बने नहीं बने, हमारी लाइफ जो है वो हर्षद सर जैसी होनी चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो हम लोग भले ही सीए है, बट यस, सीए इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ. सो बी हैप्पी. आप लोग मुस्कुराओ, इतने टेंशन में मत रहो. हम लोग यहाँ पे आपको डराने नहीं आए, हम लोग ये लाइफ जो है ये जीने आए हैं. ऑफ कोर्स पढ़ाई तो होगी, बट पढ़ाई के साथ साथ देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट. सो जस्ट चिल. वेलकम टू एसपीसी, एसपीसी गुरुकुल एवरीवन, एंड लेट्स रॉक इट गाइस. यस, चलो एक बार जोरदार तालियां ये सफर की शुरुआत के पहले आप सब लोगों के लिए. गुड मॉर्निंग बच्चों. चलो तो अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सीए. सीए का मतलब जानते हो आप? चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आप लोग ये सीए जो करने आए हो, ये ऐसे यहाँ वहाँ से सुन के आए हो या सही में कुछ रिसर्च किया है आपने? कुछ किया है रिसर्च, ठीक है. तो मैं बस आपको आज डे वन पे एक सिंपल बेसिक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोग टेंथ में पढ़ाई करते थे, तो आप लोग टेंथ में क्यों पढ़ते थे? आप लोग बहुत जम के पढ़ाई करते थे, क्यों पढ़ते थे? बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं सर. उस समय पे आपको ये स्ट्रेस नहीं होता था कि मुझे पास होना है या मैं उतने नंबर लाऊंगा, मतलब पास होने का कभी टेंशन नहीं था आपको. सर पासिंग मार्क्स तो मुझे यूं ही आ जाएंगे, मुझे टेंशन किस बात का है? लड़कियां तो रोती थी 1-2% कम आ गए तो. 98 आ गए सर, यार 99 चाहिए थे. तो वो स्ट्रेस होता था. वो लड़के बेचारे खुश है भाई, दो बच्चे पास होते उसमें. करेक्ट है. सो दैट वॉज द गोल वेन यू आर स्टडिंग इन टेंथ. जब हम लोग ट्वेल्थ में भी आए तभी भी हम लोग फोकस कर रहे थे किसके ऊपर? परसेंटेज के ऊपर ही. करेक्ट है ना? मैं आज आपको बस ये चीज बोलता हूं कि उस समय पे आप लोग पढ़ाई करते थे नंबर्स के लिए. आज भी आप पढ़ाई करोगे नंबर्स के लिए, बट दोज नंबर्स विल बी फाइनेंशियल नंबर्स. ठीक है, क्योंकि जब आप सीए बन जाओगे तो सीए बनने के बाद यू आर गोइंग टू अर्न मनी. अभी आप अच्छा कॉलेज या सिलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो. आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? पैसे के लिए.
योर प्रोफेशनल लाइफ हैज स्टार्टेड एंड टूडेज डे वन एंड फ्रॉम यर फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स इट इज गोइंग टू बी अ इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आपको मिलेगा 3 साल बाद. तो जब भी आपका सुबह फर्स्ट लेक्चर को या कोई भी लेक्चर को आने का मन ना करे तो समझ लेना कि आपका इन्वेस्टमेंट जो करा हुआ जो है ना वो खराब जगह इन्वेस्ट कर रहे हो. आओगे तो इट विल बी अ फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट. समझ में आया? सो इट शुड नॉट बी अ बर्डन. सीए कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, आपको समझ में आ गया ना गोल? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हर इंसान को सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, विटामिन एम. व्हाट इज विटामिन एम? मनी. सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन. बाकी ए बी सी डी ना हो तो भी चलेगा, बट एम विटामिन होना बहुत जरूरी है. सो दैट शुड बी योर माइंडसेट, इट शुड बी क्लियर. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊंगा आप सबको कि जब बच्चे सीए कोर्स में आते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि मैं सीए पास हो जाऊंगा क्या, क्या मैं सीए बन जाऊंगा क्या. तो एटीट्यूड आपका पास पे आ जाता है. तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो एटीट्यूड 10th और 12th में रहा है स्कोरिंग का, वही एटीट्यूड आपने रखना है और आपने स्कोरिंग का ही एटीट्यूड रखना है सीए में भी. सिर्फ पास झालो पास झालो वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए इधर. भाई मेरे को 50% एग्रीगेट आ गया, मैं पास हो गया, दैट शुड नॉट बी द एम. एवरीबडी ऑफ यू सिटिंग हियर शुड एम फॉर 300 प्लस का स्कोर, राइट? एंड वी फोर ऑफ अस आर हियर टू हेल्प यू इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट? हम लोग सारे जो है काफी अप्रोचेबल है. आप लोग बात करें हमसे, कुछ भी आपको डाउट डिफिकल्टी क्वेरीज आती है, वी आर ऑलवेज देयर, इंक्लूडिंग द वंस हु आर वॉचिंग अस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, राइट? हम लोग सब जो GDPD है, लाइव स्ट्रीमिंग है, सबका हम लोग ध्यान रखेंगे. बट देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी. हम टीचर्स दिन रात सुबह शाम मेहनत करेंगे. विनोद सर आ जाएंगे ऑन टाइम, बट आप अगर लेट आ जाओगे फिर आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा. रिविजन्स में आप अगर नहीं अटेंड करोगे तो फिर नेक्स्ट डे आपको बर्डन सम लगेगा. सो ये बातें आपने डे वन से अपने आप को प्रॉमिस करना है कि आपको टिल द वेरी एंड ऑफ द बैच आपको एकदम सिंसियर बन के रहना है. बिल्कुल भी यहां पे जब आप आए हो तो मस्ती मजाक नहीं, मतलब करो मस्ती मजाक करो, बट पढ़ाई के समय पे पढ़ाई. एंड आफ्टर वंस योर स्टडीज आर डन देन यू हैव टू लिव योर लाइफ. जैसे अंकिता मैम ने कहा था अभी कि सीए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर एंटायर लाइफ. सो यू हैव टू लिव योर लाइफ बराबर, बट इन बिटवीन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो पर्पस के लिए अभी जो आप काम कर रहे हो आपने करना है, राइट? बोलो हाय ना. बाकी हम लोग सब अपने अपने लेक्चर्स में तो मिलेंगे ही आज दिन भर हमारे साथ, और फिर आने वाले जो 4 महीने हैं हम लोग साथ में ही रहेंगे. तो और बहुत सारी बातें होंगी इंडिविजुअली, हम सबको आप जानेंगे भी बहुत अच्छे से. शक्ल से हम लोग दिखते होंगे खड़ूस वगैरह है ना, बट हम लोग है नहीं ऐसे. ओके, राइट? यस. क्या यस? तो जैसे आपको विनोद सर ने बताया था कि हम लोग जो ये बैच जो है अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप सितंबर अटेम्प्ट की दे दोगे आप, ठीक है ना? भले अगर नहीं हुआ सितंबर में अटेम्प्ट, सो वट एवर टाइम यू विल गेट एक्स्ट्रा इज बोनस, बट वी आर प्लानिंग दैट योर कट ऑफ डेट विल बी फॉर द सितंबर एग्जाम, है ना? तो फुल पावर पढ़ाई करेंगे, फुल एकदम जोश में पढ़ाई करेंगे. एवरी डे आपके स्पिरिट जो है, आपका जोश जो है वो एकदम ऐसा कैसे रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए. ओके ओके ओके, बेस्ट है. चलो सो मिलते हैं इंडिविजुअल लेक्चर्स में, राइट? आई होप आपका फर्स्ट लेक्चर जो है एकदम धमाकेदार रहेगा, और हम लोग जैसा फर्स्ट लेक्चर की वाइब एनर्जी थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे थ्रू आउट द डे एंड फॉर द जर्नी. यस, थैंक यू. कैलकुलेटर कौन सा है वो बता देना बस प्लीज. या हेलो. हाँ, थैंक्स सर, सर तूने बोला. हाँ ए किड्स, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे और जिनके माता पिता हम सभी लोगों को देख रहे हैं, एक क्वेरी अगर आपके मन में आ रही होगी कि सितंबर का सिलेबस है तो कंप्लीट होगा तो क्या सेल्फ स्टडीज के लिए रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा क्या? जिस तरीके से बैच प्लान की जाएगी, इट विल बी अलॉन्ग विथ ऑल द टेस्ट सीरीज एंड रिविजन सेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू इट. तो जो भी आपकी जिस दिन कट ऑफ डेट, जिस दिन बैच खत्म होगी, अगर आप सारे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करते हो और होमवर्क भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिया जाता है, जो जो चीजें आपको टास्क दी जाती है अगर वो कवर कर लेते हो आप, तो भरोसा मानो जिस दिन आपकी बैच खत्म होगी उस दिन आप एग्जाम रेडी होंगे.
तो जो आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है थ्रू आउट द बैच, इट वुड बी क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज, और वो क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज के अंदर आपके रिवीजन का भी आपको मौका मिलता है, और टेस्ट सीरीज अगर आप रेगुलरली देते हो तो वो असेस कर जब मिलती है तो आपको वीक पॉइंट्स भी पता चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में वो चीज़ें भी कवर अप हो जाएगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जस्ट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द बैच, डोंट वरी मच। सेप्टेंबर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच 100% आपको फ्रूटफुल रहेगी, और आप सेप्टेंबर बैच में क्रैक करेंगे एग्जाम विथ ग्रेट ग्रेट मार्क्स। सो डोंट वरी मच अबाउट इट, इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट इज द कमिटमेंट विच वी आर गिविंग इट टू यू ऑल। शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा सर सेप्टेंबर क्या बोल रहे हो आप, आपको शायद ऐसा हो सकता है कि सेप्टेंबर की एग्जाम का मौका मिले, तो अगर कोई बच्चा सेप्टेंबर की एग्जाम देने का मौका चाहता है तो उसके लिए भी ये बैच 100% रेडी है, इज दैट ओके? सो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय। चलो बच्चों करें हम लोग कंटिन्यू, देख लो एक बार देख लो, हाँ ना देखो एक बार मन भर के देख लो, एक सर है बाद में, हो गया डन, अब मुझे देखो भाई पूरा लेक्चर है भाई, 1.5 घंटा बाद में रहेगा, बाद में देख लेना अच्छे से। चलो करें कंटिन्यू, ओके। तो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस तो मैंने दिए ऑलरेडी, और एक इंस्ट्रक्शन मैथ्स के एंगल से है, मैथ्स एंड अकाउंट्स में स्पेशली आपको यूज ऑफ कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जाम, पता है क्या आपको ये? 12th तक कैलकुलेटर शायद आपको अलाउड नहीं था, आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ता था ना बहुत सारे, कल जाके समझो आया 789 × 6 = 36, आपको खुद करना पड़ता था ये, तो अब अपने पास कैलकुलेटर है, एंड इनफैक्ट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये कैलकुलेटर के सारे फंक्शन सारे बटन्स कैसे यूज करते पता भी नहीं रहेंगे, बट स्टिल यू हैव टू बाय अ कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर बाय करना करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं आपको, वो प्लीज अच्छे से सुनो कैलकुलेटर के एंगल से, ओके? तो आपको कैलकुलेटर के 3 टाइप होते बच्चों, एक होता है सिंपल कैलकुलेटर जो छोटा सा रहता है, आपने देखा रहेगा कभी इतना सा रहता है, आप समझ रहे हो क्या, या इस टाइप का कैलकुलेटर ऐसे लिया रहेगा। फिर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लॉग्स एंटी लॉग साइन कॉस टैन साइन इनवर्स सब रहता है उसमें साइंटिफिक। तीसरा रहता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, वो शायद आपने कभी देखा भी नहीं रहेगा, फाइनेंशियल कैलकुलेटर जिसमें जो अपन आगे जाके सीए में अपन बहुत सारे चीजों का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आईआरआर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें डायरेक्ट उसका बटन रहता है, जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर करके आंसर आते हैं वो डायरेक्ट कैलसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर। कौन सा कैलकुलेटर? जो आपको आपने कभी सुना नहीं रहेगा, बट सीए के साथ में और एक कोर्स होता है सीएफए, एक कोर्स है सीएफए नॉट सी एस और सी एम ए सी एफ ए, उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है, उसमें फाइनेंशियल उसपे कुछ लेवल्स पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी अलाउड है। तो अपने सी ए एग्जाम में अलाउड है सिर्फ सिंपल वाला कैलकुलेटर, कौन सा? सिंपल वाला, ये कैलकुलेटर जो आपको दिख रहा है अभी, इस टाइप का कैलकुलेटर आपको अलाउड है। तो ये कैलकुलेटर आपको कल के लेक्चर से ही आपको आपके साथ में रहना पड़ेगा, समझ रहा है क्या? तो बाय अ ओरिजिनल कैलकुलेटर, प्रेफरेबली लाइक दिस, प्रेफरेबली लाइक दिस, आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, ओके? कंपनी का नाम वगैरह नहीं देखा, ये कोई भी कंपनी का, बट कैसियो या इस टाइप के कोई कंपनी का एक ओरिजिनल कैलकुलेटर बाय करो बच्चों, ठीक है? ओरिजिनल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बाय करते हो तो इंस्ट्रक्शन सुनो, उस पे ये फंक्शंस होते हैं कुछ लाइक एम प्लस, उसको बोलते हैं मेमोरी प्लस, एम माइनस मेमोरी रिकॉल, एम आर सी ऐसा रहता है, वो उस पे होना ही चाहिए, मोस्ट ऑफ द कैलसी पे होता है बट ये होना ही चाहिए, आप कैलकुलेटर बाय करते हो देख लेना। स्क्वेयर रूट का बटन होना ही चाहिए उस पे, याद करो कौन सा बटन? स्क्वेयर रूट। कुछ कुछ कैलकुलेटर पे स्क्वेयर रूट का बटन नहीं रहता है तो बच्चों वो कैलकुलेटर अपने को नहीं चलेगा, स्क्वेयर रूट का बटन होना चाहिए। और एक बटन होता है जिसका नाम है जीटी ग्रैंड टोटल, क्या होता है? जीटी ग्रैंड टोटल, ओके? ये बटन उस पे होना ही चाहिए, तो आप कैलकुलेटर बाय करते वक्त ध्यान रखो कि उसपे ये 5 फंक्शंस तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात में ये छोड़ के प्लस माइनस वगैरह तो रहता ही है उसपे, और कुछ फंक्शंस रहते हैं कुछ कुछ कैलसी पे, टैक्स रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो लिया तो भी तुमने चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 5 फंक्शंस उसपे होना ही चाहिए। कौन से? एम प्लस एम माइनस एम आर सी, उसके बाद स्क्वेयर रूट का बटन और उसके बाद जीटी का बटन। और एक बता देता हूं साथ साथ में, कुछ कुछ कैलसी पे नहीं रहता है, मोस्टली तो होता है, बट एक बटन होता है प्लस ऑब्लिक माइनस, क्या बटन होता है?
प्लस ऑब्लिक माइनस बोल के एक बटन रहता है यहाँ पे, शायद देखो आपको दिखता रहेगा प्लस ऑब्लिक माइनस, तो ये बटन उस कैलसी पे आपके होना ही चाहिए। तो ये छह फंक्शंस आप चेक करो बच्चों, ये तो उस पे होना ही चाहिए। सो बाय अ कैलकुलेटर, एंड कल से अपन रेगुलर लेक्चर में मिलेंगे। तो टुमारो इज एक्चुअली गोइंग टू बी लेक्चर नंबर वन, समझ रहे हैं बच्चों? टुमारो इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर वन, आप समझ रहे हैं? भले ये यूट्यूब पे लेक्चर नंबर वन दिखता रहेगा, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से टुमारो विल बी लेक्चर वन। आज तो अपन बस ज्ञान की बातें की इधर उधर की, बराबर है ना? जो कुछ फायदे में थी क्या, जो कुछ लगा कि आपको कुछ फायदेमंद थी करके, बट ठीक है, ये कोई मेन अगर आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो तो बाकी कोई भूल भी गए तो चलेगा। अपने को कुछ सिलेबस अपन ने नहीं पढ़े, ओके? कल से अपन अच्छे से सिलेबस देखेंगे, इसमें कौन से चैप्टर्स है वगैरह उसका नाम भी मैंने नहीं बताया, ताकि क्योंकि मैं आपको ये कल बताऊंगा जब आपके पास एक्चुअल में ये नोट्स रहेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप कल अटेंड करोगे तो ये एटलीस्ट चैप्टर वन का प्रिंट आउट निकाल के रखो आपके पास। आपको हार्ड कॉपी अब मिला है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो एटलीस्ट चैप्टर वन के नोट्स आपके पास रहने दो बच्चों, ठीक है बच्चों? Yes. So shall we stop here, my friends? Yes. Thank you so much. See you tomorrow, my friends. Bye-bye.